तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक स्टेज पे बहुत सारे लोग बैलेट डांस कर रहे होते हैं, वहीं पर एक लड़की भी डांस कर रही होती है जिसका नाम होता है योनसियो। वो उस डांस का लीड बैलेरिन होती है और जब डांस के लास्ट में योनसियो नीचे बैठकर ऊपर देख रही होती है तो ऊपर जो कांच के लाइट्स लगे होते हैं वो टूट जाते हैं और उसके कुछ टुकड़े उसकी आंखों में लग जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि योनसियो ये सब सपना देख रही थी, पर ये सपना नहीं था, ऐसा उसके साथ में सच में हुआ था। कांच के टुकड़े उसकी आंखों में गिरने की वजह से वो अंधी हो चुकी होती है और उस हादसे को बीते कई साल हो चुके होते हैं। योनसियो नहाने जा रही होती है तो वो एक टेबल से टकरा कर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है। तो वह घर के सारे सर्वेंट को बुलाती है और उनसे पूछती है कि उस टेबल को वहाँ पर किसने रखा था। तभी वहाँ पर मिस्टर जो आते हैं, जो कि योनसियो का ड्राइवर और उसका पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं और उसके साथ उसके घर में ही रह रहे होते हैं जब से योनसियो के पेरेंट्स उसको छोड़कर चले गए थे। तो वो उसके साथ रहकर उसका ख्याल रख रहे होते हैं। योनसियो उन सभी से पूछती है कि ये किसने किया, पर कोई भी जवाब नहीं देता। तो योनसियो उन सभी को काम से निकाल देने की धमकी देती है, जिससे वो सर्वेंट डर जाती है। तो वो आगे आ जाती है और योनसियो से माफी मांगती है, पर वो उसे माफ नहीं करती बल्कि उसे नौकरी से निकाल देती है। तभी वहाँ पर मिस जंग आती है, जो कि अपने साथ कुछ लेटर्स लेकर आई होती है जो कि योनसियो के लिए होता है। उन्हीं लेटर में से एक होता है इनविटेशन कार्ड, जो कि उसकी कंपनी फैंटेसिया कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से आया होता है, क्योंकि उसकी कंपनी की 20th एनिवर्सरी होती है। उसकी कंपनी एक बैलेट कंपनी होती है जिसके अंदर बहुत सारे बैलेट डांसर होते हैं और सभी मिलकर शोज में परफॉर्म करने का काम करते हैं। एक वक्त पर योनसियो भी डांसर थी, पर अब वो देख नहीं सकती, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है। तो वो अपने डॉग को लेकर वॉक पे जाने लगती है। तभी मिस्टर जो को हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आता है, तो योनसियो फोन ले लेती है और डॉक्टर से बात करने लगती है। वो कहती है कि वो मैं हूँ जिसे कॉर्निया डोनेशन की जरूरत है, तो बताइए इस बार क्या प्रॉब्लम हो गई है। योनसियो ये इसलिए कहती है क्योंकि हर बार उसे कॉर्निया डोनर मिल जाता है, पर हर बार वो लास्ट मिनट पे मना कर देते हैं, जिससे योनसियो काफी ज्यादा ही परेशान होती है। इस बार भी डोनर मना कर देता है, जो सुनकर योनसियो को काफी ज्यादा ही बुरा लगता है। तो वो अपने डॉग को लेती है और वॉक पे चली जाती है। फिर हम देखते हैं एक लड़के को, जो कि एक बिल्डिंग के छत पे बैठा होता है। तभी वो छत से जंप मार देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंजल है। वो जानवरों का इंचार्ज होता है, मतलब कि जानवरों के आत्माओं को गॉड के पास भेजने का काम करता है। उसे इंसानों के मामले में दखल देने की कोई भी परमिशन नहीं होती, पर जो लोग जानवरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं वो उन्हें सबक सिखाता रहता है। आज उसका आखिरी दिन होता है, सिर्फ आज ही उसे काम करना होता है, उसके बाद वो गॉड का खास एंजल बनने वाला होता है। तभी वो देखता है कि योनसियो को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं, तो वो उसको बचाने जाने ही वाला होता है कि तभी योनसियो उन लड़कों को मारने लगती है। क्योंकि उसे अंधा हुए 3 साल हो चुके होते हैं, तो उसे इस दुनिया में अंधों की तरह जीने की आदत हो चुकी होती है। उसे ऑलमोस्ट सभी चीजें पता होती है कि कौन कहाँ पर है और उसे कहाँ पर जाना है। वो उन लड़कों को बहुत ज्यादा ही मारती है, जिससे कि वो भाग जाते हैं। उसके बाद वो एक ब्रिज के पास जाती है और काफी ज्यादा ही रोने लगती है, क्योंकि वो देख नहीं सकती, जो कि उसे काफी ज्यादा ही बुरा फील करवाता है और इसी वजह से लोग भी उसे परेशान करते रहते हैं। योनसियो को रोते देख एंजल को भी काफी ज्यादा ही बुरा लगता है। योनसियो एक बेंच पे बैठी होती है, तो एंजल भी उसके पास आकर उसी बेंच पर बैठ जाता है। योनसियो कहती है कि कौन है यहाँ, तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ कैसे बैठ गए। ये सुनकर एंजल काफी ज्यादा ही शॉक्ड रह जाता है कि उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि एंजल को कोई इंसान ना तो देख सकता है और ना ही सुन सकता है। योनसियो कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, मैं देख नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ देख नहीं सकती, पर मैं सूंघ सकती हूँ, तुम्हें सुन सकती हूँ और तुम्हें छू भी सकती हूँ। योनसियो उसकी तरफ अपना डंडा रखती है, तो एंजल के मुंह से आवाज निकल जाती है। तो वो सोचता है कि क्या वो मुझे सुन सकती है, क्या उसने मेरी आवाज सुन ली होगी। और ऐसा ही होता है, योनसियो उसे सुन पा रही होती है, जिससे एंजल काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। योनसियो कहती है, तो तुम एक लड़का हो, मैंने अभी अभी कुछ बदमाशों को मार के यहाँ से भगाया है, तो सोच समझ के यहाँ पर बैठना। एंजल कहता है कि ये बेंच तुम्हारा नहीं है, ये बेंच गॉड का है, तो मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। एंजल योनसियो से गॉड को
लेकर काफी सारी बातें करने लगता है, पर वो गॉड पे बिलीव नहीं करती तो वो गॉड को काफी भला बुरा कहती है। तब एंजल उसको गॉड के बारे में और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करने लगता है। तब योनसियो उसको पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। तभी वहाँ पर मिस जंग आती है तो एंजल वहाँ से भाग जाता है। योनसियो मिस जंग को उसको पकड़ने के लिए कहती है, पर मिस जंग को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता क्योंकि एंजल वहाँ से जा चुका होता है। मिस जंग कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तब योनसियो चेक करने लगती है कि वो सच कह रही है या फिर झूठ। तभी उसे एंजल का रुमाल मिल जाता है जो कि भागते वक्त उससे वहाँ पर गिर गया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जो मिस चोई से मिलने आए होते हैं। मिस चोई योनसियो की आंटी होती है जो कि उसकी कंपनी को चला रही होती है। कल योनसियो के पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी होती है और कल ही उसकी आंटी ने कंपनी के 20th एनिवर्सरी प्रोग्राम रखा होता है। तो मिस्टर जो उनको ये कहने के लिए आए होते हैं कि 20th एनिवर्सरी प्रोग्राम को नेक्स्ट वीक रखा जाए, पर मिस चोई ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि इस कंपनी को मैं चलाती हूँ, इसीलिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो मैं डिसाइड करूँगी, इसीलिए एनिवर्सरी प्रोग्राम कल ही होगा। फिर मिस्टर जो कहते हैं कि मुझे भी पता है कि कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि योनसियो की आंखें वापस आए। उसे डोनर मिल जाता है पर हर बार लास्ट मिनट पर कैंसिल हो जाता है। मैं ये पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहने वाला हूँ और इसके पीछे जो कोई भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल योनसियो की आंटी ही ये सब करवा रही होती है क्योंकि अगर योनसियो की आंखें वापस आ गई तो योनसियो पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी और उसको कंपनी छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए वो उस डॉक्टर को जाकर धमकाती है कि इस बारे में किसी को भी पता ना चले। फिर हम देखते हैं योनसियो को जो कि उस एंजल का रुमाल लेकर उसके बारे में सोचे जा रही होती है कि आखिर वो कौन था। वहीं दूसरी तरफ एंजल भी यही सोच रहा होता है कि आखिर उसने मुझे देखा कैसे। वह काफी ज्यादा ही कंफ्यूज्ड होता है। एंजल एक चर्च में जाता है जहाँ पर एक गॉड का खास एंजल होता है जो कि उसी चर्च में फादर का काम कर रहा होता है। उसका नाम होता है हु। वो एंजल का काफी अच्छा दोस्त भी होता है। हु एंजल को काफी डांट लगाता है क्योंकि वो बार बार जानबूझकर इंसानों के लाइफ में इंटरफेयर करता रहता है। वो एंजल को वार्न करता है कि अगर उसने अब इंसानों के लाइफ में इंटरफेयर किया तो वो गायब हो जाएगा किसी धूल की तरह। ये सारी बातें सुनकर एंजल कहता है कि आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। वो देखता है कि उसका रुमाल तो उसके पास में है ही नहीं। तभी उसे याद आता है कि जब उस लड़की ने उसको पकड़ा था तो उसका रुमाल वहीं पर गिर गया था। हु उससे कहता है कि तुम्हें कहीं जाना है तो जा सकते हो, पर कल रात के 12 बजे से पहले यहाँ पर आ जाना। एंजल अपने रुमाल को ढूंढने चला जाता है क्योंकि उस रुमाल के बिना वो गॉड का खास एंजल नहीं बन सकता, इसीलिए वो काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है। योनसियो अपने कमरे में होती है और काफी परेशान होती है क्योंकि कॉर्निया डोनर ने फिर से मना कर दिया। तभी वहाँ पर मिस्टर जो आते हैं जो कि योनसियो से बातें करने लगते हैं, पर योनसियो उनसे बात ही नहीं कर रही होती। यहाँ पर हमें थोड़ी सी फ्लैशबैक दिखाई जाती है कि जब 1999 में मिस्टर जो योनसियो से पहली बार मिले थे तो योनसियो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर टाइम बीता गया और योनसियो मिस्टर जो को पसंद करने लगी और वो दोनों एक तरह से बेस्ट फ्रेंड बन गए। लेकिन अभी के टाइम पे वो मिस्टर जो से ठीक से बात भी नहीं करती जो कि उनको अच्छा नहीं लगता। वो योनसियो को अपनी बेटी मानते हैं और उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद एंजल वहाँ पर अपना रुमाल लेने आता है तो वो बहुत ज्यादा ही कोशिश करता है अपना रुमाल योनसियो से वापस लेने की, पर वो ले नहीं पाता। फिर अगले दिन योनसियो मिस्टर जो के साथ कंपनी के प्रोग्राम में जाती है तो एंजल भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसको अपना रुमाल वापस चाहिए होता है। जब योनसियो वहाँ पर पहुँचती है तो उसके अंकल आंटी और उसके कजन ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग योनसियो से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो योनसियो से थोड़ी से भी प्यार नहीं करते, झूठ मूठ का दिखावा कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योनसियो के एक और कजन को जिसका नाम होता है नीना। वो फैंटेसिया कंपनी की लीड बैलरीन होती है। कंपनी में आए हुए लोग योनसियो को वहाँ पर देखकर काफी अजीब बातें कर रहे होते हैं तो योनसियो वॉशरूम चली जाती है। मिस्टर जो डांस प्रोग्राम देखने चले जाते हैं और जब डांस स्टार्ट होता है तो योनसियो कंपनी के एक रूम में आकर उसी म्यूजिक पे डांस करती है। योनसियो की आंटी ने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया होता है, पर योनसियो प्रेस के सामने अपने अंकल आंटी और कजिन की काफी ज्यादा बुराई करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी आंटी उसके पास आती है और योनसियो को काफी सुनाने लगती है और उससे कहती है कि तुम हमारी बुराई करके क्या बताना चाहती हो, कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी तमीज नहीं है बात करने की। योनसियो कहती है कि आप उस दिन मुझे देखकर हंसी थी जब मेरी आंखें चली गई थी। ये सुनकर मिस चोई काफी चौंक जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अंधी हो चुकी हो, पर तुम तो अंधी के साथ साथ पागल भी हो गई हो। ये सुनकर
देखकर योनसियो काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन मिस्टर जो कोई बड़ा सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहे होते तो योनसियो को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। एंजल भी वहीं पर होता है तो उसने भी सभी बातें सुन लिया होता है, तो वो समझ जाता है कि योनसियो कितनी ज्यादा गुस्सेल और बदतमीज लड़की है। और साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि योनसियो को कोई भी पसंद नहीं करता, वो बिल्कुल ही अकेली है। योनसियो जब डांस कर रही थी तो उसने वो रुमाल नीचे रख दिया था, तो एंजल भी वहीं पर मौजूद था तो उसने अपना रुमाल ले लिया होता है। एंजल को योनसियो की हालत देखकर बुरा लग रहा होता है, पर वो खुश भी होता है क्योंकि उसका रुमाल उसे वापस मिल गया होता है। योनसियो मिस्टर जो के साथ घर जा रही होती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, तो वो चिल्लाए जा रही होती है। तब मिस्टर जो साइड में गाड़ी रोकते हैं और उससे कहते हैं कि खुद को तुम शांत क्यों नहीं रखती, तुम एक जंगल के बीचों बीच खड़ी हो, क्या तुम्हें पता भी है कितने लोग तुम्हें मारना चाहते हैं? योनसियो कहती है कि मुझे नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे मार दे, इससे मुझे शांति तो मिलेगी। तब मिस्टर जो कहते हैं कि बकवास बंद करो, बस थोड़ा और वेट कर लो, हम बहुत ही करीब हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह वापस दिला कर रहूंगा। ये सुनकर योनसियो कहती है क्या मेरी जगह वापस दिलाओगे, पर कैसे, क्या आप मुझे अपनी आंखें देने वाले हैं? आप होते कौन हैं मुझे ऐसा कहने वाले? अगर आपने फिर से मेरे डैड बनने की कोशिश की तो मैं आपको फायर कर दूंगी। योनसियो काफी गुस्से में होती है, इसी वजह से उससे बात करना फिजूल होता है। तो मिस्टर जो कार स्टार्ट करते हैं और घर जाने लगते हैं, लेकिन किसी ने उस कार का ब्रेक फेल कर दिया होता है जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका कार ब्रिज से लटक जाती है। एंजल भी वहीं से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि योनसियो और मिस्टर जो का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी गाड़ी ब्रिज से लटक रही है। योनसियो बार बार कह रही होती है कि प्लीज कोई मदद करो, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा होता सिवाय एंजल के। एंजल काफी कंफ्यूज्ड होता है कि उसे मदद करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हू ने उसको इंसानों के लाइफ में इंटरफेयर करने से मना किया होता है और 12 बजने ही वाले होते हैं। अगर वो टाइम पे चर्च नहीं पहुंचा तो वो कभी भी गॉड का खास एंजल नहीं बन पाएगा। इसी वजह से वो काफी कंफ्यूज्ड होता है कि उसे चले जाना चाहिए या फिर वहीं रुककर उसकी मदद करना चाहिए। उसकी कार ब्रिज से लटक रही होती है और नीचे गिरने ही वाली होती है, जो कि एंजल को अच्छा नहीं लगता। उसको योनसियो के ऊपर दया आ जाता है तो वो उसकी कार को अपनी पावर्स की मदद से ऊपर ले आता है और रोड के ऊपर रख देता है, और फिर वो सीधा चर्च चला जाता है। पर जिस टाइम पर वो चर्च पहुंचा तब तक चर्च बंद हो चुका होता है, क्योंकि एंजल योनसियो को बचाने लग गया था जिसकी वजह से वो लेट हो गया होता है। वो चर्च का दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करता है पर दरवाजा नहीं खुलता। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि उसी रास्ते से जा रहा होता है जहां पर योनसियो का एक्सीडेंट हुआ होता है। जब वो आदमी देखता है कि वहां पर एक कार एक्सीडेंट हुआ है तो वो जाकर चेक करता है, तो उस कार में वो दो आदमी को देखता है जो कि बहुत ज्यादा ही जख्मी हालत में होता है। तो वो जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करता है और उस जगह पर बुलाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एम्बुलेंस पहुंच जाती है और उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एंजल को जिसके पास हु आता है और लेट होने के लिए उस पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा करता है। फिर हु एंजल को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जिसको देखकर एंजल मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या ये वही जगह है जहां पर मैं गायब हो जाऊंगा किसी धुएं की तरह। तभी हु के हाथ में गॉड का एक लेटर आता है जिसमें गॉड ने कहा होता है कि तुमने मेरे बनाए गए नियमों को तोड़ा है और किसी इंसान की जिंदगी में इंटरफेयर किया है, इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी और तुम्हें मिटा दिया जाएगा। एंजल को लगता है कि वो अब गायब होने वाला है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, और जब वो आंखें खोलता है तो वो वापस से चर्च आ गया होता है और खुद को अभी तक जिंदा पाकर वो काफी शॉक्ड होता है। तो वो हु से कहता है कि मैं गायब क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे वजह क्या है? फिर हु कहता है कि तुमने गॉड के नियमों का पालन नहीं किया है तो उन्होंने सजा के तौर पे तुम्हें एक काम दिया है, अब से तुम एंजल नहीं रहोगे बल्कि एक आम इंसान बन जाओगे और तुम्हारा नाम होगा किम दान। ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा और तुम्हें इंसान बनकर एक स्पेशल मिशन को कंप्लीट करना होगा। तुम्हारे पास इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए 100 दिन होंगे और ये 100 दिन मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम्हारे लिए गॉड से मांगे हैं। अगर तुम 100 दिन के अंदर मिशन कंप्लीट कर लेते हो तो तुम गॉड के खास एंजल बन सकते हो। एंजल कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है। हु कहता है कि तुम्हें एक इंसान को प्यार का मतलब समझाना है, उसे प्यार का एहसास करवाना है और उसको उसके सच्चे प्यार से मिलवाना है। फिर एंजल एक ट्री के पास जाता है जिसपे से एक पत्ता गिरता है जिसमें उस इंसान का एड्रेस लिखा होता है जिसको उसे प्यार का एहसास करवाना होता है। अब वो एक इंसान बन चुका होता है पर वो पूरी तरह से इंसान नहीं होता, उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत एंजल्स की पावर मौजूद होती है और अब से उसका नाम किमदान होता है। उसके शैडो आ चुके होते हैं और लोग उसे देख पा रहे होते हैं जिससे वो काफी सरप्राइज रह जाता है। फिर हम देखते हैं योनसियो को जो कि टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गई थी, तो वो जिंदा होती
होती है और वो देख भी पा रही होती है क्योंकि उसको कॉर्निया डोनर मिल गया होता है और डॉक्टर ने कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी कर दिया होता है। वहाँ हॉस्पिटल में उसके फैमिली मेंबर उससे मिलने आए होते हैं और उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना होता है जो कि योन्सियो को काफी अजीब लगता है। तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर जो उस एक्सीडेंट में बच नहीं पाए, उनकी मौत हो गई और उन्होंने ही अपना कॉर्निया योन्सियो को दे दिया जिसकी वजह से वो देख पा रही है। मिस्टर जो अब नहीं रहे ये जानकर उसे काफी बड़ा सदमा लगता है, वो बहुत दुखी हो जाती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। किमदान को जो एड्रेस मिला था वो उसी हॉस्पिटल का होता है जहाँ पर योन्सियो होती है। जब किमदान हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर जो अब नहीं रहे और योन्सियो काफी ज्यादा ही दुखी होती है। ये देख कर उसे बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है और जब उसे पता चलता है कि उसे योन्सियो को ये प्यार का मतलब समझाना है तो वह काफी शॉक्ड रह जाता है। किमदान जितना टाइम योन्सियो के साथ रहा उतने में ही उसे पता चल गया था कि योन्सियो कितनी गुस्सेल लड़की है और उसे प्यार से नफरत है और ये काम किमदान के लिए काफी मुश्किल होने वाला होता है जिससे वह काफी परेशान हो जाता है। योन्सियो बहुत ज्यादा दुखी होती है तो वो हॉस्पिटल से सीधा घर पहुंच जाती है और उन वीडियोस को देखने लग जाती है जिसमें उसने मिस्टर जो के साथ काफी अच्छा टाइम बिताया था। वो काफी पछता रही होती है कि लास्ट टाइम जब वो मिस्टर जो के साथ थी तो वो उनसे गुस्सा थी और उनपे चिल्लाई भी थी। वो कह रही होती है कि आपको किसने हक दिया मुझे अपनी आंखें देखकर चले जाने के लिए, मुझे जवाब दीजिए, और वो पूरी रात बहुत ज्यादा ही रोती रहती है। वहीं दूसरी तरफ किमदान भागकर सीधा चर्च पहुंचता है क्योंकि उसे ये मिशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे अपना मिशन चेंज करवाना होता है पर चर्च का दरवाजा बंद होता है तो वो वहीं बाहर सो जाता है। अगली सुबह वो वहाँ पर आता है और किमदान को उठाकर उससे पूछता है कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। किमदान कहता है मुझे अपना मिशन चेंज करवाना है क्योंकि वो लड़की नॉर्मल इंसान नहीं है, बिल्कुल ही पागल है। उसके साथ जो आदमी हरदम रहता था जो कि उसका ख्याल रखता था वो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी, तो मुझे नहीं होगा ऐसी पागल लड़की को प्यार का एहसास करवाना जिसके अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो कहता है ये मिशन अब चेंज नहीं हो सकता और अगर तुमने ये मिशन पूरा नहीं किया तो तुम धुएं की तरह उड़ जाओगे। किमदान पूछता है वही लड़की क्यों? तब हु कहता है क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई थी इसलिए। फिर हु किमदान का कपड़ा अपनी पावर से चेंज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस जंग जब योन्सियो के घर आती है तो वो योन्सियो को जमीन पे सोई हुई देखती है और उसकी हालत काफी खराब होती है। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुमने अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाला। योन्सियो कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर वो योन्सियो की आंखों में ड्रॉप डालने लगती है पर योन्सियो आई ड्रॉप डालने से मना कर देती है। तब मिस जंग कहती है कि ये तुम्हारी आंखें नहीं है, ये मिस्टर जो की आंखें हैं, तो तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। लेकिन योन्सियो उनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो नीचे गिर जाती है। तब मिस जंग उसके पास आती है और उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है क्या हुआ। योन्सियो कहती है मेरे पैर काम नहीं कर रहे, मैं उठ नहीं पा रही। ये सुनकर मिस जंग परेशान हो जाती है तो वो डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेती है। डॉक्टर बताती है कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रामा है, लोग इसे तब गुजरते हैं जब वो किसी अपने को खो देते हैं जो कि उसके बहुत ही करीब था। लोग वो सब नहीं कर पाते जो कि वो उस इंसान के साथ किया करता था। ऐसा ही कुछ योन्सियो का हाल है, इसीलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। फिर हम देखते हैं फैंटेसिया के डांसर डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि वही आदमी होता है जिसने हॉस्पिटल फोन करके योन्सियो की जान बचाई थी। वो म्यूजिक बंद कर देता है और सभी डांसर्स को बताने लगता है कि तुम लोग गलत तरीके से डांस कर रहे हो, तुम लोग बहुत ही फास्ट हो। जो उन सभी को डांस प्रैक्टिस करवा रहा होता है वो उससे पूछता है कि तुम हो कौन जो ये सब बोल रहे हो। तब वो बताता है कि मेरा नाम जी कैंग ऊ है और मैं फैंटेसिया का न्यूली अपॉइंटेड आर्टिस्टिक डायरेक्टर हूँ। अब से मैं तुम लोगों को डांस सिखाने वाला हूँ। मैंने तुम लोगों का डांस देखा 20th एनिवर्सरी इवेंट पर जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम लोग 3 साल से एक तरह का ही परफॉर्मेंस दे रहे हो जो कि ठीक नहीं है, इसीलिए अब से तुम लोग किसी और बैलेट डांस की प्रैक्टिस करने वाले हो जिसका नाम है जिजिल और ये एक डिफरेंट टाइप का डांस होने वाला है जिसको किसी ने भी नहीं देखा होगा और इस डांस में मैन बैलेरिन होगी योन्सियो। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि योन्सियो को डांस छोड़े 3 साल हो चुके होते हैं और अगर कोई बैलेरिन 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस ना करे तो उसके परफॉर्मेंस पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है और यहाँ तो योन्सियो ने 3 साल से डांस नहीं किया। जब ये बात मिस चोय और रूना को पता चलता है कि मिस्टर कैंग ने उसकी बेटी नीना को लीड बैलेरिन ना चुनकर योन्सियो को चुना है तो वो लोग मिस्टर कैंग को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि योन्सियो ने 3 साल से डांस नहीं किया है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, इसीलिए तुम्हें
अपना डिसीजन बदलना होगा। मिस्टर कैंग कहता है कि तुम लोग ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बहन नीना अपनी पोजीशन खो देगी। और रही बात योनसियो की, तो वो बहुत ही टैलेंटेड डांसर है और मुझे यकीन है कि वो बहुत ही जल्द अपने शेप और रिदम में आ जाएगी। मिस चोय, आपने मुझे यहाँ का आर्टिस्टिक डायरेक्टर बनाया है तो मैं सब कुछ अपने हिसाब से करूंगा और मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला, इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं किमदान को जो कि योनसियो के घर पहुँचता है। योनसियो को एक पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत होती है जो कि उसका ध्यान रख सके, क्योंकि अब वो खुद से चल नहीं सकती, उसे किसी के सहारे चलना होगा। इसीलिए वो लोगों का इंटरव्यू ले रही होती है। किमदान भी वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया होता है क्योंकि उसे अपना मिशन कम्प्लीट करने के लिए योनसियो के साथ रहना होगा। किमदान देखता है कि अंदर से कई लोग इंटरव्यू देकर आते हैं जिनको योनसियो ने रिजेक्ट कर दिया होता है छोटी सी छोटी बात के लिए। इस बात से किमदान बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि उसने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूंगा। फिर किमदान अंदर जाता है तो मिस जंग पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। किमदान कहता है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। मिस जंग कहती है कि हमने अभी अभी लास्ट इंटरव्यू लिया है। फिर जब वो रिज्यूमे को चेक करती है तो उसमें किमदान का भी रिज्यूमे होता है जो कि हु ने अपनी पावर से वहाँ पर रख दिया होता है। फिर योनसियो और मिस जंग किमदान का इंटरव्यू लेने लगते हैं। मिस जंग पूछती है कि तुम ये काम क्यों करना चाहते हो। फिर किमदान कहता है कि मुझे काम की बहुत ही जरूरत है और मैं यंग लेडी को बहुत ही अच्छे से असिस्ट करूंगा जिससे वो ब्राइटली साइन कर सके। ये सुनकर योनसियो को मिस्टर जो की बात याद आ जाती है। उन्होंने भी योनसियो से कहा था कि वो योनसियो को ब्राइटली साइन करते हुए देखना चाहते हैं। इस बात का योनसियो पे काफी गहरा असर पड़ता है, लेकिन तभी किमदान थोड़ा अजीब हरकतें करने लगता है जिससे योनसियो इरिटेट हो जाती है और किमदान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर किमदान झूठ मूठ का बहाना बनाता है और कहता है कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मुझे ये जॉब नहीं मिला तो मेरे डैड मुझे लात मार के घर से निकाल देंगे और मेरे अंकल भी मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेला हूँ। योनसियो कहती है तो मैं क्या करूँ। तब किमदान कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद कर सकती हो, लेकिन योनसियो नहीं मानती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। किमदान जा ही रहा होता है तभी वो बोलता है कि मैंने उम्मीद की थी कि ये लड़की थोड़ी तो अच्छी होगी, पर मैं गलत था। ये लड़की पूरी तरह से पागल है जो कि लोगों को कुछ भी नहीं समझती, सिर्फ गुस्सा करना जानती है। किमदान ये इसलिए बोलता है क्योंकि उसे लगा था कि वो अभी भी एक एंजल है और उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। वो भूल गया था कि वो अब एक इंसान बन गया है। किमदान की बातें योनसियो सुन लेती है तो वो कहती है कि तुमने अभी क्या कहा। फिर किमदान चिल्लाकर कहता है कि तुमने सुन ही लिया है तो एक और बात सुन लो, तुम बहुत ही बुरी हो इसीलिए अच्छा बनो, समझी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। किमदान की बातें सुनकर योनसियो को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने आप खड़ी हो जाती है और खुद से चलकर उसके पीछे जाने लगती है, जो देखकर मिस जंग काफी हैरान रह जाती है और खुद योनसियो भी काफी हैरान रह जाती है। किमदान बाहर आकर काफी परेशान हो जाता है, उसने जो किया वो उसके लिए पछता रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या मैं अंदर जाकर माफी मांग लूं। तभी वहाँ पर मिस जंग आती है और किमदान को बताती है कि योनसियो ने तुम्हें काम पे रख लिया है क्योंकि तुमने उसके साथ रूड बिहेव किया, क्योंकि योनसियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके साथ प्यार से पेश आए। अब जब किमदान को जॉब मिल चुका होता है तो मिस जंग किमदान को उसका कमरा दिखा देती है, क्योंकि अब से वो योनसियो के साथ उसके घर में ही रहने वाला होता है ताकि हरदम उसका ख्याल रख सके। मिस जंग किमदान को सारा काम बता देती है कि उसको कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है। किमदान बहुत ही खुश होता है क्योंकि मिशन को कंप्लीट करने के लिए अब से वो योनसियो के साथ ही रहने वाला होता है। मिस जंग योनसियो के पास आती है और उससे कहती है कि मिस्टर जो से बिल्कुल अलग इंसान ठीक रहेगा, वो तुम्हारे साथ सख्ती से पेश नहीं आएगा, तो क्या मैं कोई वैसा इंसान ढूंढूं। योनसियो कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं, किमदान ही ठीक है, इससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर अगली सुबह से किमदान का काम शुरू हो जाता है। योनसियो के साथ रहते रहते वो उसके बारे में अच्छे से जानने लगता है कि योनसियो के अंदर थोड़ा सा भी हमदर्दी या प्यार नाम का चीज नहीं है। वो सोचने लगता है कि इंसान को भगवान की परछाई माना जाता है तो आखिर इंसान इतने घमंडी और गुस्सेल क्यों होते हैं। योनसियो के घर में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उन सभी में से कोई भी योनसियो को पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि किमदान भी नहीं। लेकिन किमदान डिसाइड करता है कि वो सब कुछ बदल के रख देगा, यहाँ तक कि योनसियो को भी। उसके लिए उसको चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो योनसियो को किसी के प्यार में पड़ाकर ही रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नीना को जो कि डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। नीना योनसियो से नफरत तो नहीं करती, लेकिन उसे योनसियो से बहुत ज्यादा ही जलन होती थी, क्योंकि योनसियो की वजह से उसे अभी भी लीड बैलरीना बनने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन जब योनसियो की आंखें चली गई तो उसे मौका मिला और वो 3 साल तक फैंटेसिया की लीड बैलरीन रही। लेकिन फिर से योनसियो की वजह से उसके हाथ से परफॉर्मेंस को
लीड करने का मौका चला गया, इसी वजह से वो दुखी होती है। वो डांस में इतना खो चुकी होती है कि उसके पेड़ में मोच पड़ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। वहीं से मिस्टर कैंग भी गुजर रहा होता है तो वो नीना को देख लेता है। जब उसके पैर में मोच पड़ता है तो वो उसके पास जाता है और उसके पैर का मोच को ठीक करने लगता है और साथ ही उसे एडवाइस भी देता है कि अगर उसे डांस करते रहना है तो उसे अपना ख्याल रखना चाहिए, अगर वो इसी तरह लापरवाही करती रही तो वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। ये सारी बातें सुनकर और मिस्टर कैंग उसका पैर ठीक कर रहा होता है, जो देखकर वो काफी इम्प्रेस होती है और उसे मिस्टर कैंग के प्रति एक तरह का अट्रैक्शन फील होता है। जब मिस्टर कैंग अपने घर जाता है तो हमें पता चलता है कि उसने अपने घर के दीवार पे योनसी और उसके फैमिली मेंबर्स के फोटो चिपका कर रखा है। उन फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि मिस्टर कैंग जरूर कुछ प्लान कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहां पर मिस चोई काफी ज्यादा ही परेशान होती है क्योंकि योनसियो की आंखें अब वापस आ चुकी होती है और वो देख सकती है, और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो जल्द ही मिस्टर चोई के हाथों से कंपनी भी चली जाएगी। इसी बात को लेकर वो काफी ज्यादा ही परेशान होती है। उसके बाद हम देखते हैं योनसियो को जो कि गार्डन में वॉक करने आती है, तो गार्डन में बहुत सारे पेड़ के पत्ते गिरे हुए होते हैं जिसको देखकर वो काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। तो वो सभी सर्वेंट को बुलाती और उनसे पूछती है कि गार्डन का इंचार्ज कौन था। कोई भी सर्वेंट जवाब ही नहीं दे रहा होता तो वो सभी पे चिल्लाती है, जो कि किमदान को अच्छा नहीं लगता। तो वो योनसियो से कहता है कि मैं सारे पत्ते साफ कर दूंगा। फिर वो सभी सर्वेंट को अपना काम करने जाने को कहता है तो सभी लोग चले जाते हैं। इस बात से योनसियो काफी गुस्सा हो जाती है। तभी किमदान उससे कहता है कि तुम ना दिन ब दिन पागल होती जा रही हो, छोटी सी छोटी बात पे चिल्लाती रहती हो, तो पूरी तरह से पागल होने से पहले क्यों ना तुम किसी से प्यार कर लो। ये सुनकर योनसियो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और किमदान से कहती है कि कल तक यहाँ मुझे एक भी पत्ते नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। किमदान झाड़ू लेता है और पत्ते साफ करने लगता है। पत्ते साफ करते करते रात हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। किमदान बारिश में भी पत्ते साफ कर रहा होता है कि तभी उसके विंग्स बाहर निकल आते हैं, जो देखकर किमदान खुद भी काफी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि अभी वो एक इंसान है तो उसके विंग्स कैसे आ सकते हैं। इसी बात को लेकर वो काफी सोचने लगता है। योनसियो जब अपने कमरे की खिड़की खोलती है तो वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है। वो सोचती है कि शायद किमदान अभी भी पत्ते साफ कर रहा होगा, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता। तो वो किमदान को फोन करती है ताकि उसे वापस बुला सके, पर किमदान के तो विंग्स बाहर आ चुके होते हैं तो वो अपने विंग्स के साथ योनसियो के पास कैसे जा सकता था, इसीलिए वो फोन ही नहीं उठा रहा होता। इस बात से योनसियो परेशान हो जाती है कि आखिर ये फोन क्यों नहीं उठा रहा। तो वो अपने कमरे की गार्डन की तरफ की खिड़की खोलकर बाहर देखती है तो बाहर तो किमदान होता ही नहीं, क्योंकि किमदान छिप गया होता है ताकि योनसियो उसके विंग्स ना देख ले। किमदान जैसे तैसे छिप कर अपने कमरे में चला जाता है और अपने विंग्स को गायब करने की कोशिश करने लगता है, पर वो गायब ही नहीं हो रहे होते। किमदान को बाहर ना देख कर योनसियो सोचती है कि कहीं बारिश की वजह से उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, इसीलिए वो किमदान के कमरे में जाने लगती है। किमदान को पता चलता है कि योनसियो उसके कमरे में आ रही है तो वो काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है। योनसियो जब किमदान के कमरे में पहुंचने ही वाली होती है कि तभी उसे नीचे से कुछ टूटने की आवाज आती है, तो वो नीचे चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके घर का एक खिड़की टूटा हुआ है। खिड़की के कांच के टुकड़े देखकर उसे उस दिन की याद आने लगती है जब उसके आंखों में कांच चला गया था और वो अंधी हो गई थी। कांच के टुकड़े देखकर वो काफी डर जाती है, उसके शरीर कांपने लगते हैं और वो वहीं पर गिर जाती है। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाजें आती है तो वो ऊपर देखती है तो ऊपर जो झूमर होता है वो हिल रहा होता है। वो झूमर योनसियो के ऊपर गिरने लगता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। झूमर उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर किमदान आ जाता है और अपने विंग्स से योनसियो को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से योनसियो के ऊपर एक भी कांच नहीं गिरता, उसे कुछ भी नहीं होता। जब योनसियो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने सामने किमदान को देखती है। वो किमदान के विंग्स को भी देखती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड रह जाती है। किमदान योनसियो को उठाकर सोफे पे बिठा देता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन योनसियो किमदान के विंग्स देखकर काफी ज्यादा ही हैरान रहती है, तो वो पूछती है कि ये क्या है। तो किमदान कहता है कि ये मेरे विंग्स है। फिर योनसियो कहती है, क्या सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। किमदान को लगता है कि अब योनसियो ने उसकी विंग्स देख ली है तो उसे सब सच बता देना चाहिए, और वो बताने ही वाला होता है कि तभी योनसियो कहती है कि ये क्या मजाक चल रहा है, मैंने तुम्हें इतना कॉल किया पर तुमने फोन नहीं उठाया क्योंकि तुम ये बेकार के पंख लगाने में बिजी थे, यू बास्टर्ड। दरअसल योनसियो को लग रहा होता है कि किमदान ने नकली विंग्स लगाए हैं, इसीलिए वो ऐसा कह रही होती है। योनसियो की बातें सुनकर किमदान भी काफी शॉक्ड रह जाता है कि योनसियो उसके विंग्स को नकली समझ रही है। तभी योनसियो उसके विंग्स
को पकड़ लेती है और खींचने लगती है, जिससे किमदान दर्द से चिल्लाने लगता है। योनसियो विंग्स को निकालने की काफी ज्यादा कोशिश करती है पर वह नहीं निकालता, तो वह किमदान के विंग्स छोड़ देती है और उससे कह दी है कि इसे जल्दी से निकाल लेना। फिर किमदान वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो अपने आप किमदान के विंग्स गायब हो जाते हैं। जब वो अपने कमरे में जा ही रहा होता है तभी उसके घर में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि होता है मिस्टर कैंग। किमदान मिस्टर कैंग से लड़ने लगता है और चिल्लाकर योनसियो को बुलाता है तो वहाँ पर योनसियो भी आ जाती है। मिस्टर कैंग किमदान को मारने ही वाला होता है कि तभी योनसियो अपने स्टिक से मिस्टर कैंग को मारती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। फिर मिस्टर कैंग अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं फैंटेसिया का नया आर्टिस्टिक डायरेक्टर हूँ। वो अपना बिजनेस कार्ड भी दिखाता है जिससे योनसियो को यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। योनसियो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया था पर कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा था, तो मैं जाने ही वाला था पर तभी मैंने खिड़की टूटने की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि अंदर कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए मैं छिपकर घर के अंदर आ गया। योनसियो कहती है कि तुमने देख लिया ना कि मैं ठीक हूँ, तो अब यहाँ से दफा हो जाओ। वो कहता है पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वहाँ पर किमदान आ जाता है और कहता है कि तुमने सुना नहीं, उसने तुम्हें जाने को कहा तो निकलो। तब मिस्टर कैंग कहता है कि तुम कैसे सेक्रेटरी हो जिसे लड़ना भी नहीं आता, तुम्हें तो कोई भी आकर मार सकता है। वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि खिड़की टूटी कैसे, मतलब कि बाहर तो कोई नहीं था जिसने ये किया हो, क्योंकि मैं बाहर ही था। मतलब कि ये किसी अंदर वाले का ही काम है मगर अंदर तो तुम दोनों ही हो, तो मुझे लगता है ये काम तुमने किया है मिस्टर सेक्रेटरी। मिस्टर कैंग किमदान पे इल्जाम लगा रहा होता है कि ये काम उसने किया है। किमदान कहता है कि अबे पागल है क्या जो मुझ पे ऐसे झूठे इल्जाम लगा रहा है। योनसियो मिस्टर कैंग की बातों पे यकीन नहीं करती और उसे वहाँ से जाने को कहती है, तो मिस्टर कैंग वहाँ से चला जाता है। योनसियो अपने कमरे में जाकर बेड पे लेट जाती है। वह काफी डर गई थी जब उसके ऊपर दूसरी बार झूमर गिरने ही वाला था। तभी उसे याद आता है कि जब किमदान ने उसको उठाया था तो उसके पैर में कांच गड़ गए थे। वो सोच रही होती है कि उसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होगा। तभी हम देखते हैं किमदान को जो कि अपने पैर से कांच निकाल रहा होता है और कांच निकालने के तुरंत ही बाद उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत एंजल्स की पावर मौजूद होती है। तभी उसे याद आता है कि योनसियो काफी डरी हुई थी झूमर गिरने की वजह से, तो उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसके लिए कॉफी बनाता है और उसे देने जाता है। योनसियो पूछती है कि ये क्यों। तब किमदान कहता है क्योंकि मुझे पता चला कि तुम्हें ये पिए बिना नींद नहीं आती, तो इसे पी लो और सो जाओ। योनसियो कॉफी ले लेती है और दरवाजा बंद कर लेती है। किमदान कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं सुबह तक यहाँ पर रुक सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। योनसियो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर वो दरवाजा खोलती है और किमदान को एक मेडिसिन देती है और उससे कहती है कि ये अपने घाव पे लगा लेना। किमदान वो मेडिसिन अपने घाव पे लगाने जाता है तो वो देखता है कि उसके घाव तो बिल्कुल ही ठीक हो चुके हैं। फिर वो सोचता है कि योनसियो ने दिया है तो अब लगा ही लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। मिस्टर कैंग जब अपने घर जा रहा होता है तो कोई उसका पीछा कर रहा होता है जो कि उसे पता चल जाता है, तो वो उस आदमी को पकड़ लेता है जो कि होती है नीना। दरअसल मिस्टर कैंग ने जब उसके पैर का मोच ठीक किया था तो उसी पल से नीना मिस्टर कैंग को लाइक करने लगी, इसी वजह से वो मिस्टर कैंग का पीछा कर रही थी ताकि उसे देख सके। और जब मिस्टर कैंग को पता चल जाता है तो वो पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। नीना बताती है कि वो उसका पीछा नहीं कर रही बल्कि यहीं पास में वो एक स्टोर से कुछ सामान लेने आई है, ये उसका बहाना होता है। मिस्टर कैंग पूछता है कि तुमने डिनर कर लिया। नीना ने डिनर नहीं किया होता है तो वो दोनों डिनर करने चले जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर कैंग से नीना कहती है कि क्या आप योनसियो से मिले। तब मिस्टर कैंग कहता है कि हाँ मैं मिला। नीना कहती है कि वो बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगी परफॉर्मेंस के लिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छी डांसर है, वो लीड बैलरीन बनने के लायक है। तब मिस्टर कैंग कहता है कि सेल्फिश बनो, यू दूसरों के बारे में सोचती रहोगी तो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगी, तो दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचो। फिर जब सुबह होती है तो योनसियो बाहर आ रही होती है तो उसे लगता है कि शायद किमदान बाहर ही होगा, तो वो दरवाजा खोलती है तो बाहर किमदान नहीं बल्कि मिस जंग होती है। योनसियो मिस जंग को रात को ही सभी बातें बताती है कि घर का खिड़की टूट गया और मेरे ऊपर झूमर गिरने वाला था, लेकिन मिस जंग कहती है कि ऐसा नहीं है, जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। योनसियो कहती है कि किमदान को भी पता है, चलो वही तुम्हें बताएगा। जब वो दोनों किमदान के पास जाते हैं तो वो घर के सभी सर्वेंट से पूछताछ कर रहा होता है। योनसियो सभी सर्वेंट से कहती है कि कल रात को यहाँ पर कौन था जिसने खिड़की तोड़ा, बताओ मुझे, नहीं तो मैं सबको काम से निकाल दूंगी। ये बात सुनकर सभी सर्वेंट काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे साथ जो चाहे कर सकती हो।
हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो। हमें नहीं करना, हम आज और अभी से काम छोड़ रहे हैं। इतना कहकर सभी सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। योनसियो मिस जंग से कहती है कि सिक्योरिटी कंपनी को बुलाइए, मुझे कल की सीसीटीवी फुटेज देखना है। ये सुनकर किमदन काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है क्योंकि कैमरे में उसके विंग्स वाला फुटेज भी रिकॉर्ड हो गया था। वो बहुत परेशान होता है कि कहीं योनसियो को उसकी सच्चाई ना पता चल जाए। लेकिन जब सिक्योरिटी मैन फुटेज चेक करता है तो उसमें सभी चीज रिकॉर्ड हुआ होता है, पर जब किमदन के विंग्स आए थे वो फुटेज तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होता, जो देखकर किमदन खुद भी हैरान होता है। लेकिन वो खुश भी होता है कि योनसियो को उसकी सच्चाई पता नहीं चली। दरअसल वो सिक्योरिटी मैन एंजल हु होता है, जिसने अपनी पावर से वो फुटेज गायब कर दिया होता है। जब एंजल हु वहाँ से जा रहा होता है तो किमदन बाहर आकर उससे कहता है कि कल मेरे विंग्स आ गए थे, मुझे लगता है कि ये बारिश की वजह से हुआ था, पर ऐसा क्यों हुआ? जहाँ पर हु बताता है कि किमदन ने योनसियो को जिस दिन बचाया था उस दिन बारिश हो रही थी, इसीलिए जब भी बारिश होगी तो उसके विंग्स निकल आएंगे। और साथ ही उसे ये भी याद दिलाता है कि अब उसके पास सिर्फ 94 डेज बचे हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस्टर कैंग आ जाता है साथ में एक पुलिस ऑफिसर को लेकर, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कि योनसियो के घर का खिड़की और झूमर क्यों टूटा था। उस ऑफिसर को कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर ये किसने किया, तो वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर कैंग योनसियो से बात करना चाह रहा होता है, पर उसने योनसियो से पूछे बिना ही उसके घर में पुलिस लेकर आया, इसी वजह से वो मिस्टर कैंग से बात नहीं करती और उसे वहाँ से जाने को कहती है। योनसियो को कहीं पर जाना होता है तो वो किमदन को कार की चाबी देती है और कार लाने के लिए कहती है, मगर किमदन को तो कार चलाना नहीं आता, इसीलिए मिस्टर कैंग योनसियो को अपने कार में बिठाकर उसे वहाँ छोड़ने जाने लगता है जहाँ उसे जाना होता है। योनसियो एक जगह पर जाती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स की अस्थियाँ रखी होती है। योनसियो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ही मिस करती है। वो उनसे कहती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मैं देख सकती हूँ पर अकेले चल नहीं सकती। आप लोग बहुत ही बुरे हो, पहले तो आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए, उसके बाद मिस्टर जो भी मुझे छोड़कर चले गए। क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं? मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं बहुत ही अकेली पड़ गई हूँ। यहाँ पर योनसियो काफी इमोशनल हो जाती है। किमदन बाहर ही खड़ा होता है और योनसियो की बातें सुनकर उसको योनसियो के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर जब योनसियो अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद कार के पास जा रही होती है तो किमदन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था, शायद तुम भी प्यार करना जानती हो। योनसियो कहती है कि कहना क्या चाहते हो? फिर किमदन कहता है, अरे वहीं जब आपका दिल किसी के लिए धड़कता है, आप उसके साथ रहना चाहते हैं और उसका ख्याल रखना चाहते हैं और आपको उसकी फिक्र लग रहती है, शायद इसी को प्यार कहते हैं। योनसियो कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप चलो। फिर किमदन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब योनसियो कहती है कि बस करो, वैसे तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले। फिर किमदन कहता है, मैं वो हूँ जो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए है और मेरा सिर्फ एक ही गोल है और वो हो तुम। ये सुनने के बाद योनसियो किमदन को देख ही रही होती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। तो योनसियो किमदन को छाता लेकर आने के लिए कहती है तो वो छाता लेने चला जाता है। किमदन छाता लेकर आ ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि बारिश में अगर वो भीग गया तो उसके विंग्स आ जाएंगे और योनसियो को उसकी सच्चाई मालूम हो जाएगी, तो वो सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। योनसियो किमदन का इंतजार कर रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर कैंग छाता लेकर आता है और योनसियो को चलने के लिए कहता है, पर योनसियो कहती है कि मैं किमदन का इंतजार कर रही हूँ, वो बस छाता लेकर आ ही रहा होगा। तब मिस्टर कैंग कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ उसका इंतजार करता हूँ। किमदन को आने में टाइम लग रहा होता है तो मिस्टर कैंग अपनी कार में से एक प्रोजेक्टर लेकर आता है जिसको वो चला देता है। उस प्रोजेक्टर की मदद से वो योनसियो को उसकी पास्ट की बैलेट परफॉर्मेंस दिखाने लगता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी डांसर थी और अभी भी हो, बस तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे यकीन है कि तुम बहुत ही जल्द पहले जैसी डांस करने लगोगी, मुझे तुम्हारा डांस बहुत ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो क्यों ना तुम फिर से डांस करना शुरू कर दो। लेकिन योनसियो मना कर देती है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है तो किमदन भी वहाँ पर आ जाता है तो वो तीनों घर जाने लगते हैं। मिस्टर कैंग किमदन से कहता है कि तुम छाता लेने गए थे और जब बारिश बंद हो गई तब जाकर तुम आए हो, आखिर तुम कर क्या रहे थे? इस बात का किमदन कुछ भी जवाब नहीं देता, बस बात को टालने के लिए कहता है कि बारिश हुई है तो तुम गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। मिस्टर कैंग गाड़ी चला ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके सामने रोड के ऊपर एक बड़ा पत्थर आ जाता है जिससे उसकी गाड़ी टकराने ही वाली होती है, पर जैसे तैसे मिस्टर कैंग गाड़ी को संभाल लेता है। उनका एक्सीडेंट होने ही वाला था जिसकी वजह से योनसियो को उस दिन की याद आ जाती है जिस दिन उसका और मिस्टर जो का एक्सीडेंट हुआ था।
उसे याद आता है कि उस दिन वहाँ पर कोई तो था जिसने मेरी जान बचाई थी और हॉस्पिटल फोन किया था। ये बात वो मिस्टर कैंग को बताती है। तब मिस्टर कैंग सच बता देता है कि उस दिन उसने ही एम्बुलेंस को बुलाया था और उसकी जान बचाई थी। ये जानकर योनसियो काफी सरप्राइज रह जाती है और फिर वो मिस्टर कैंग को थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। तब मिस्टर कैंग गाड़ी स्टार्ट करता है और जाने लगता है और जाते जाते मिस्टर कैंग और योनसियो एक दूसरे से काफी सारी बातें कर रहे होते हैं, जो देखकर किमदान सोचता है कि मिस्टर कैंग अच्छा इंसान लगता है, उसने योनसियो की जान बचाई थी तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मिस्टर कैंग योनसियो के करीब आ सके और मेरा मिशन कंप्लीट हो सके। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं जहां पर योनसियो मिस्टर कैंग को थैंक यू कहती है उसको पूरे दिन इधर उधर ले जाने के लिए। फिर मिस्टर कैंग अपनी गाड़ी से एक गिफ्ट लेकर आता है जो कि वो योनसियो को देता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे नए सेक्रेटरी के बारे में बहुत कुछ जानने का मन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसी तरह मिलते रहे। योनसियो मिस्टर कैंग की बातें सुन रही होती है और उसे ही देखे जा रही होती है, जो देख कर किमदन काफी हैरान रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योनसियो के अंकल एक आदमी के साथ बैठे होते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी कॉर्निया डोनर कैंसिल करवाती थी ताकि योनसियो कभी ना देख पाए, और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि उनकी पत्नी ने ही मिस्टर जो के कार का ब्रेक फेल करवाया था, क्योंकि मिस्टर जो को पता चल गया था कि मिस चोय ही कॉर्निया डोनेशन कैंसिल करवा रही है, इसीलिए मिस चोय मिस्टर जो और योनसियो को मरवाना चाहती थी पर योनसियो बच गई। ये सारी बातें जानकर योनसियो के अंकल काफी शॉक्ड रह जाते हैं कि उनकी पत्नी ने योनसियो का एक्सीडेंट करवाया जिसमें मिस्टर जो की जान चली गई। योनसियो के अंकल बुरे इंसान नहीं होते बल्कि उन्हें योनसियो की चिंता लगी रहती है, पर अपनी पत्नी की वजह से वो योनसियो के लिए कुछ नहीं कर पाते। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किमदान केक खा रहा था तो उसने थोड़ा केक योनसियो के डॉग को भी खिला दिया होता है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसके डॉग को केक से एलर्जी होती है। योनसियो जब अपनी डॉग की तबीयत खराब देखती है तो वो जल्दी से उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है, तो डॉक्टर बताती है कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर योनसियो थोड़ा रिलैक्स होती है कि उसके डॉग को कुछ नहीं होगा। किमदान और योनसियो डॉग को पास के ही क्लिनिक में लेकर गए थे इसीलिए वो लोग वॉक करते हुए ही घर आ रहे होते हैं, जहाँ पर योनसियो किमदान से कहती है कि मेरा डॉग ही मेरी फैमिली में से आखिरी बचा हुआ है और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल ही अकेली पड़ जाऊंगी। तब किमदान कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसे केक से एलर्जी है, मगर तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास मैं हूँ, मिस जंग है और तुम्हारे एम्प्लॉयज भी तो है। फिर योनसियो कहती है तो क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे जब तक मैं बुढ़ी होकर मर नहीं जाती, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए हो और तुम्हारा गोल सिर्फ मैं हूँ, क्या सच में? किमदान कहता है हाँ यही सच है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब किमदान और योनसियो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर योनसियो के अंकल आंटी और नीना आई हुई है। वो लोग वहाँ पर योनसियो के ठीक होने पर सेलिब्रेट करने आए होते हैं, पर ये बात योनसियो को अच्छी नहीं लगती तो वो उनपे गुस्सा करती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। योनसियो जब गुस्से में बैठी होती है तो किमदान उससे कहता है कि वो तुम्हारे अंकल आंटी थे जो कि यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने आए थे, तो उनके साथ ऐसा क्यों किया? तब योनसियो कहती है कि चुप हो जाओ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है और मैं तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा क्या बन गई, तुम तो सर पे चढ़ने लगे, इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए ये कहने का हक तुम्हें नहीं है। फिर किमदान कहता है कि नहीं मैं करूंगा, कब तक तुम इसी तरह रूड बिहेव करती रहोगी, क्या तुम 5 साल की बच्ची हो, दरअसल छोटे बच्चे भी तुमसे ज्यादा समझदार होते हैं। तब योनसियो कहती है कि एक बात समझ लो, तुम यहाँ पर मिस्टर जो की जगह पर हो, मिस्टर जो कहा करते थे जो चीज मुझे पसंद नहीं वो मुझे करने की कोई जरूरत नहीं जब तक मेरा मन ना करे। किमदान कहता है मैं किमदान हूँ ना कि मिस्टर जो, मिस्टर जो ने कुछ भी गलत नहीं किया, दरअसल उन्हें पता ही नहीं था कि ज्यादा लाड प्यार करने से लोग बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी समझ नहीं है, बस छोटी सी छोटी बात पे चिल्लाना जानती हो। ये सुनकर योनसियो काफी गुस्सा हो जाती है तो टेबल पे जो खाना रखा होता है वो लेती है और उससे वो किमदान को मारती है, तो किमदान भी गुस्सा हो जाता है तो वो भी उसके ऊपर खाना फेंकता है। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर खाना फेंकने लगते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के बाल पकड़ लेते हैं, पर दोनों को दर्द होने लगता है तो वो दोनों एक दूसरे के बाल छोड़ देते हैं। तब योनसियो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। तब किमदान कहता है कि तुम क्या मुझे जॉब से निकालोगी, मैं खुद ही जॉब छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। किमदान ने जो बातें योनसियो को कहा था जो कि उसे काफी ज्यादा ही बुरा लगा था, तो वो रोने लगती है।
किम दाने एक ट्री के पास जाता है तो उस पे से एक पत्ता गिरता है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, तो वो काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे फोन आता है तो वो उम्मीद कर रहा होता है कि ये फोन योनसियो ने किया हो, पर ऐसा नहीं होता, फोन मिस जंग ने किया होता है। मिस जंग किम दान को एक बार में बुलाती है और उसके साथ ड्रिंक करने लगती है। मिस जंग को पता चल गया होता है कि योनसियो ने किम दान को जॉब से निकाल दिया है, तो मिस जंग किम दान को जॉब पे वापस लाने के लिए उसे मनाने आई होती है। वो किम दान से कहती है कि क्या तुम बस एक बार उससे माफी नहीं मांग सकते, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर किम दान कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, और आप भी जानती हैं कि वो ऐसी लड़की है जो कि मुझे जॉब से निकालने के बाद वापस जॉब पे नहीं रखेगी, तो आप मुझे ऐसा करने को क्यों कह रही हैं? तब मिस जंग कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, पर वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करती है, और ऐसा पिछली बार तब हुआ था जब वो 10 साल की थी और मिस्टर जो उसकी जिंदगी में आए थे। तुम्हारे बिना उसे स्टिक की मदद से चलना होगा, तो बस एक बार उससे माफी मांग लो। लेकिन किम दान माफी मांगने से मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं योनसियो को जो कि अपने लिए कॉफी बना रही होती है, तो उसका हाथ जल जाता है। तो उसको किम दान की याद आती है कि कैसे वो उसके लिए कॉफी बनाकर लाता था, तो वो अपना फोन लेती है और किम दान को फोन करना चाह रही होती है, पर वो फोन नहीं करती। तभी उसे किम दान की आवाज सुनाई देती है जो कि बाहर से आ रही होती है। तो योनसियो बाहर देखने जाती है तो बाहर किम दान आया होता है और उसने काफी ज्यादा ही ड्रिंक किया होता है। योनसियो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी किम दान योनसियो के हाथ पर छोटा सा घाव देखता है जो कि उसे लड़ाई करते वक्त लग गया था। तो किम दान उससे माफी मांगता है और अपना रुमाल उसके घाव पे बांध देता है और उससे कहता है, इसे तुम रुमाल मत समझना, इसे तुम किम दान ही समझना। तुम मेरे साथ कम्फर्टेबल फील करती हो और जब मैं ना भी रहूं तो ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम इसके साथ कहीं भी जा सकती हो। ये बहुत ही अच्छा होगा कि तुम फिर से डांस करने लगो। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते उन्हें तुम अपने डांस से जवाब दो कि तुम कैसी हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो कि तुम्हें अच्छे से समझे और तुम्हें खुश रखे। तभी वो उठता है और कहता है कि बाद में डांस क्यों करना, अभी करते हैं ना। फिर वो योनसियो के साथ डांस करने लगता है। योनसियो किम दान के साथ काफी अच्छे से डांस कर पा रही होती है। किम दान के साथ डांस करते हुए योनसियो को भी अच्छा लगता है। किम दान योनसियो से कहता है कि तुम डांस करते वक्त बहुत ही खूबसूरत दिखती हो। इतना कहकर वो वहीं पर योनसियो के कंधे पर अपना सिर रख कर बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि जब किम दान सोकर उठता है तो वो अपने आप को गार्डन में पाता है क्योंकि योनसियो उसको वहीं पर कर चली गई थी। किम दान को याद आता है कि उसने रात को योनसियो से क्या क्या कहा था और उसके साथ उसने डांस भी किया था, तो वो काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है और अपने आप से कहने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं बहुत ही बड़ा गधा हूँ। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो कि किम दान को अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं। किम दान पूछता है कि मैंने क्या किया है जो मुझे अरेस्ट करके ले जा रहे हो। तब ऑफिसर बताता है कि हमें कॉल आया था कि तुमने घर की खिड़की तोड़ने की कोशिश की थी। तभी वहाँ पर योनसियो आती है तो किम दान उससे है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट फाइल किया है कि मैंने तुम्हारे घर की खिड़की तोड़ी, क्या बकवास है ये, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पर वापस आया क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था और मैं माफी मांगना चाहता था। योनसियो कहती है कि तुम एक चोर हो जो कि मेरे घर में चोरी करने आए थे। फिर किम दान कहता है कि कभी कहती हो कि मैंने तुम्हारे घर की खिड़की तोड़ी है और कभी कहती हो कि मैं एक चोर हूँ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तब योनसियो कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अगर तुम मुझे सब सच बता देती हो तो ये लोग तुम्हें नहीं ले जाएंगे। किम दान कहता है कि मैं हमेशा से ईमानदार था और मैंने कभी भी झूठ नहीं कहा, एक बार भी नहीं। तब योनसियो कहती है कि तुम्हारे इंटरव्यू से भी पहले हम मिले थे ना, जब मैं देख नहीं सकती थी, है कि नहीं, जवाब दो मुझे, लेकिन झूठ मत कहना। दरअसल योनसियो ये सब इसलिए कह रही होती है क्योंकि कल रात जब योनसियो किम दान को बेंच पे सुला रही थी तो किम दान नशे में बड़बड़ा रहा था कि मैं योनसियो को वैसा करवा कर रहूंगा तब मेरा मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। ये सुनकर योनसियो काफी शॉक्ड रह गई थी और जब उसने किम दान के रुमाल को अच्छे से देखा तो उसे याद आया कि ये वही रुमाल है जो कि उसे उस दिन मिला था जब वो अंधी थी। तो वो वॉक पे गई थी तो एक आदमी उससे गॉड के बारे में काफी सारी बातें कर रहा था। उसे यकीन हो जाता है कि ये रुमाल उसी आदमी का है और शायद ये वही आदमी है। योनसियो को किम दान के ऊपर शक हो गया था कि आखिर वो उसके घर में क्या कर रहा है और वो करना क्या चाहता है। उसे लगने लगता है कि शायद मिसचोई ने किम दान को उसके घर में भेजा है उसकी जासूसी करने के लिए, इसीलिए उसने पुलिस को बुलाया होता है। योनसियो किम दान से कहती है कि मुझे जवाब दो, तुम यहाँ आने से पहले से मुझे जानते हो, है कि नहीं। किम दान कहता है हाँ, मगर सिर्फ वो एक इत्तेफाक था और जब मैंने तुम्हें दूसरी बार देखा तो मैं खुद सरप्राइज था। योनसियो पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है। तब किम दान कहता है कि मुझे ऊपर से भेजा गया है। योनसियो कहती है कि फिर तुमने मुझसे क्यों कहा था
था कि तुम्हारे लाइफ का गोल मैं हूँ और तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए हो। मुझे लगा था कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, पर मैं गलत थी। लेकिन वो लोग तुम्हारे जैसे गधे स्पाई को कैसे भेज सकते हैं मेरी जासूसी करने के लिए? किमदान बार बार कह रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो कोई स्पाई नहीं है। लेकिन योनसियो उसकी बातों पे यकीन नहीं करती और पुलिस से कहती है कि किमदान को ले जाए, तो वो लोग किमदान को पकड़ कर ले जाते हैं। फिर योनसियो किमदान के कमरे में जाती है और उसका सारा सामान एक डब्बे में रखने लगती है। वहाँ पर मिस जंग भी पहुँच चुकी होती है और योनसियो ने उनको सभी बातें बता दिया होता है, पर मिस जंग इन बातों पे यकीन नहीं करती और योनसियो को समझाने लगती है कि वो किमदान के बारे में गलत सोच रही है, तो उसे वापस बुला ले। किमदान के कमरे में काफी सारी चॉकलेट रखी होती है, जो देखकर मिस जंग कहती है कि कोई स्पाई बच्चों की तरह इतने सारे चॉकलेट थोड़ी ना खाता है। तभी मिस जंग को कुछ फाइल्स मिलती है जिसमें लिखा होता है लव डेटिंग हार्ट। ये देखकर मिस जंग कहती है कि ऐसा लगता है कि जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था तो शायद वो तुम्हारे प्यार में पड़ गया, शायद इसीलिए वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आता है। तब योनसियो कहती है कि ऐसा नहीं है, उसने मुझसे खुद कहा कि यहाँ उसको किसी ने ऊपर से भेजा है। मिस जंग कहती है कि क्या ऊपर से? इसका मतलब किस्मत भी तो हो सकता है। तुमने कहा कि उसने तुम्हें गले लगाया जबकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि वो तुम्हारे साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं बना सकता। उसने रूल्स तोड़ा है क्योंकि वो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारा सेक्रेटरी और हेल्पर बनकर, पर वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन योनसियो नहीं मानती और मिस जंग से कहती है कि उसका सामान उसके पास भिजवा देना और वहाँ से जाने लगती है कि तभी मिस जंग कहती है कि उसने कहा था कि उसे घर से निकाल दिया गया है, उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन योनसियो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से चली जाती है। मिस जंग ये सब इसलिए कहती है ताकि योनसियो किमदान को वापस बुला ले, क्योंकि किमदान योनसियो के लिए बहुत ही अच्छा सेक्रेटरी है। पुलिस के पास किमदान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता तो वो लोग किमदान को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। किमदान चर्च जाता है तो हू उससे कहता है कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये तुम्हारा घर नहीं है, जब तक तुम मिशन कंप्लीट नहीं कर लेते तुम यहाँ नहीं आ सकते। तब किमदान कहता है कि ठीक है, जब मैं मिशन कंप्लीट कर लूंगा तभी यहाँ पर वापस आऊंगा, इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर कैंग जब डांसर को प्रैक्टिस करवा रहा होता है तो कुछ डांसर उससे पूछते हैं कि योनसियो कब से डांस प्रैक्टिस करने आने वाली है, जिस पे मिस्टर कैंग कहता है कि तुम लोगों को इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस अपने डांस पे फोकस करो। और रही बात योनसियो की तो मैं उसे बहुत ही जल्द यहाँ लेकर आऊंगा। तभी वहाँ पर रूना आती है और मिस्टर कैंग से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ बोर्ड मीटिंग में चलना होगा। फिर मिस्टर कैंग मीटिंग में चला जाता है जहाँ पर बोर्ड मेंबर्स मिस्टर कैंग को काफी बातें सुनाते हैं कि उसने उनसे पूछे बिना ही डांस और लीड बैलरीन को कैसे चेंज कर दिया, और साथ ही उससे ये भी पूछते हैं कि उसने योनसियो को लीड बैलरीन चुना है तो अभी तक वो यहाँ पर क्यों नहीं आई है। तब मिस्टर कैंग उनसे कहता है कि आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए, मैं योनसियो को बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अनाउंस करेगी कि वो रिटर्न करने वाली है और अगर मैं उसे यहाँ नहीं ला पाया तो आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूँगा। उसके बाद मिस्टर कैंग नीना को योनसियो के पास भेजता है ताकि उसे डांस के लिए मना सके। लेकिन नीना को योनसियो के पास जाने में काफी डर और बुरा लग रहा होता है क्योंकि पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तो उसने उसको और उसकी फैमिली को वहाँ से धक्का मार के भगा दिया था, तो वो उसके गार्डन में छिपी हुई होती और हिम्मत जुटा रही होती है उसके सामने जाने के लिए। तभी उसके पीछे से किमदान बोलता है जिससे नीना काफी डर जाती है क्योंकि उसे लगा कि योनसियो ने उसको पकड़ लिया। किमदान भी छिपकर ही आया होता है क्योंकि फिर से वो योनसियो के पास गया तो शायद वो फिर से वो उसको अरेस्ट करवा दे। तभी योनसियो घर के बाहर आती है वॉक करने के लिए, तो वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग कर बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर किमदान के पेट से आवाजें आ रही होती है क्योंकि उसको भूख लगी होती है, तो नीना उसको रेस्टोरेंट ले जाती है और उसको खाना खिलाती है। किमदान उसको बताता है कि योनसियो ने उसको जॉब से निकाल दिया है और साथ ही वो मिस्टर कैंग के बारे में पूछता है कि वो कैसा इंसान है। तब नीना कहती है कि मिस्टर कैंग के बारे में तो मैं भी कुछ ज्यादा नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि वो अच्छा इंसान है या बुरा, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो मतलबी इंसान है या दयालु, पर मुझे एक चीज जरूर पता है कि वो बहुत ही कूल इंसान है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योनसियो को जो कि अपने डॉग को लेने जा रही होती है कि तभी उसके घर में बचे हुए जितने भी सर्वेंट होते हैं वो सभी अपना रेजिग्नेशन लेटर योनसियो को दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर मिस जंग भी होती है तो वो योनसियो से कहती है कि तुम इसी तरह लोगों को खरीदती रही ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहेगा, सभी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। फिर योनसियो कहती है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, इतना कहकर वो अपने डॉग को लेने जाने लगती है। वो काफी दुखी होती है कि कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता, यहाँ तक कि उसके एम्प्लॉय भी नहीं। थोड़ी देर बाद वो क्लिनिक पहुँच जाती है और अपने डॉग को लेकर आने ही वाली होती है कि तभी डॉक्टर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तुम फिर से डांस स्टार्ट करने वाली हो।
तभी डॉक्टर योन्सियो को वो न्यूज दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि योन्सियो बहुत ही जल्द रिटर्न करने वाली है और ये बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बताएगी। ये न्यूज देखकर योन्सियो काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसने मिस्टर कैंग को मना कर दिया था, तो वो मिस्टर कैंग से मिलने चली जाती है जहाँ पर वो मिस्टर कैंग से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं डांस नहीं स्टार्ट करने वाली, तो तुमने मुझसे पूछे बिना ही ऐसी न्यूज कैसे फैला दी। एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं कभी भी रिटर्न नहीं करने वाली, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर कैंग भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें डांस करना बहुत ज्यादा ही पसंद था और शायद आज भी है। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं और तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तुम उन्हें अपने डांस से जवाब दे सकती हो। योन्सियो पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर मिस्टर कैंग कहता है कि मैं तुम्हें और फैंटेसिया को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। योन्सियो कहती है कि मैं डांस नहीं करने वाली, तुम जिस योन्सियो को जानते थे वो मर चुकी है। जरा देखो मुझे, क्या ऐसी कोई बैलरीन है जिसके तीन टांग है। इसीलिए अपने सपनों से जागो और जो चीज नहीं होने वाला उसके बारे में सोचना बंद करो। योन्सियो वहाँ से अकेली ही जा रही होती है तो मिस्टर कैंग अपनी गाड़ी लेकर आता है और योन्सियो से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। किमदान भी वहीं से जा रहा होता है तो वो योन्सियो और मिस्टर कैंग को साथ में देखकर सोचता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। योन्सियो मिस्टर कैंग के साथ जाने से मना कर देती है और टैक्सी लेकर घर चली जाती है। मिस्टर कैंग भी वहीं खड़ा होता है तो किमदान उसके पास आता है और उसे हेलो कहता है। जब योन्सियो घर पहुंचती है तो तभी वहां पर डिलीवरी मैन आता है और योन्सियो को एक कुरियर देता है। वो कुरियर फैंटेसिया कंपनी की तरफ से आया होता है जो कि मिस चोई ने भेजा होता है। योन्सियो घर के अंदर बैठी होती है तभी उसको मिस चोई का कॉल आता है। मिस चोई कहती है कि तुम्हें कुरियर मिला, उसमें एक पेपर है जिसपे साइन कर देना। योन्सियो पूछती है कि इसमें क्या है। तब मिस चोई कहती है कि उसमें पावर ऑफ एटोनी के विस्तार पर एक एग्रीमेंट है। आज बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग थी और उन्होंने कहा कि टेम्पररी चेयरमैन और टेम्पररी जनरल डायरेक्टर की पोजीशन अभी अनस्टेबल है और कंपनी की ओनर यानी कि तुम बहुत ही रूड हो जिसको कोई पसंद नहीं करता। सभी बोर्ड मेंबर्स को पता है कि तुम अपने सेक्रेटरी के बिना कहीं भी नहीं जा सकती और आजकल जो न्यूज चल रही है कि तुम परफॉर्म करने वाली हो वो भी एक तरह का झूठी है कि नहीं। बोर्ड मेंबर्स ने कहा है कि वो तुम्हें परफॉर्म नहीं करने देंगे और ना ही तुम्हें कंपनी चलाने देंगे, इसीलिए उनको शांत करने के लिए मैंने ये एग्रीमेंट बनाया है, तो उस पे साइन कर देना। योन्सियो कहती है कि अगर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं तो मुझे ये एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब मिस चोई कहती है कि किसी को नहीं पता कि तुम कब ठीक होगी, तुम्हें ठीक होने में साल भी लग सकते हैं और उससे ज्यादा भी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें ये एग्रीमेंट साइन ना करना पड़े तो क्या तुम नेक्स्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आ सकती हो, वो भी ठीक हो कर। फिर योन्सियो कहती है कि हाँ मैं आऊंगी, मैं तुम सबको दिखा दूंगी कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं एग्रीमेंट पे साइन कर दूंगी। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। फिर वो बाहर जाती है और स्टिक छोड़कर चलने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती, वो गिर जाती है। उसे अपने आप पे काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो क्यों नहीं कर पा रही। तभी उसे किमदान की याद आती है कि कैसे वो उसके साथ अच्छे से डांस कर पा रही थी, लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है किमदान, मैं खुद कर सकती हूँ। फिर अगली सुबह योन्सियो खुद के लिए ऑमलेट बनाने की कोशिश कर रही होती है पर वो नहीं बना पाती। तभी वहाँ पर मिस जंग आती है जो कि योन्सियो को बताती है कि यहाँ जो सिक्योरिटी इंचार्ज था वो तुम्हारी जासूसी कर रहा था क्योंकि उसे मिस चोय से पैसे लेते हुए देखा गया है, तो उसने ही घर की खिड़की तोड़ा होगा और तुम्हारे ऊपर झूमर गिराने की कोशिश की होगी। बेचारा किमदान, उसने तो कुछ भी नहीं किया था और तुमने उसको जॉब से निकाल दिया। योन्सियो कहती है फिर वो यहाँ क्यों आया था। तब मिस जंग कहती है क्योंकि उसे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, तो प्लीज उसे वापस बुला लो। तब योन्सियो कहती है कि मैं उसे क्यों बुलाऊं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मिस जंग कहती है कि उसका एड्रेस है कैथोलिक चर्च, मुझे पता है कि तुम उससे मिलने नहीं जाओगी पर फिर भी मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। अब योन्सियो को बुरा लग रहा होता है कि उसने किमदान को जॉब से निकाल दिया जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए चर्च जाती है पर वहाँ पर किमदान नहीं होता। फिर एक दिन योन्सियो अपने डॉग के साथ वॉक पे आई होती है तो वो किमदान को देखती है जो कि एक बेंच पे सो रहा होता है। किमदान को देखकर योन्सियो सोचती है कि घर से निकाल देने के बाद ये यहाँ पर है पर यहीं पर क्यों। तभी उसे याद आता है कि इसी जगह पर वो दोनों पहली बार मिले थे, तो वो सोचती है कि शायद इसीलिए वो यहाँ पर है। किमदान तभी उठ जाता है और योन्सियो को देख लेता है तो योन्सियो उससे पूछती है कि ये क्या, तुम यहाँ क्यों। फिर वो किमदान के पास जाकर बैठ जाती है।
योनसियो किमदान से कहती है कि मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी और तुम्हें 100% बोनस भी दूंगी। तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो वापस आ जाओ। तुम इसी तरह यहाँ सोते रहे तो ठंड के मारे मर जाओगे, और अगर तुम मर गए तो मुझे पता है कि तुम मेरे सपनों में भूत बनकर मुझे डराओगे। ये सारी बातें सुनकर किमदान योनसियो को घूरने लगता है तो योनसियो कहती है कि मुझे बिना स्टिक के अगले हफ्ते से पहले चलना है। कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे चलना है, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर किमदान कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से। किमदान ये इसलिए कहता है क्योंकि उसने भी न्यूज पढ़ लिया होता है। योनसियो कहती है कि जब तुम्हें पता था तो ना जानने का नाटक क्यों कर रहे थे। किमदान कहता है कि ना ही मुझे डबल सैलरी चाहिए और ना ही बोनस, पर मेरी एक कंडीशन है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर कैंग को, जो कि योनसियो को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। वो हर वक्त यही सोच रहा होता है कि आखिर वो योनसियो को वापस कैसे लाए। फिर अगले दिन जब योनसियो सोकर उठती है तो वो बाहर आती है तो किमदान ने पैर के साइज के पेपर कट करके पूरे घर में बिछा दिया होता है ताकि योनसियो उन पे अपना पैर रख कर चल सके। किमदान योनसियो को ठीक करने में लग जाता है। योनसियो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही होती है पर वो बार बार गिर जाती है। फिर किमदान योनसियो को एक पार्क में लेकर जाता है और योनसियो को दूर खड़ा कर देता है और वो भी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर किमदान योनसियो को अपने पास आने के लिए कहता है। योनसियो उसके पास जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाती है पर वो नहीं जा पाती, वो गिर जाती है। फिर किमदान दौड़ के उसके पास जाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है तो वो खुद योनसियो के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है और उन दोनों को किस करने के लिए कहती है, जो सुनकर वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो योनसियो उस बच्ची को डांट कर वहाँ से भगा देती है। फिर किमदान योनसियो के ऊपर से हट जाता है और उससे कहता है कि मेरी एक विश है। दरअसल किमदान ने काम पे वापस आने के लिए एक कंडीशन रखा था कि वो कभी भी योनसियो से 3 विश मांग सकता है और योनसियो बिना कुछ कहे उसकी विश पूरा करेगी। योनसियो ने हाँ कर दिया था, इसीलिए किमदान वापस आ गया। योनसियो कहती है कि अगर तुमने कुछ गलत सलत मांगा ना तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। किमदान कहता है कि मेरी पहली विश है कि तुम मेरे विश के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर किमदान योनसियो को एक टेम्पल लेकर जाता है जहाँ पर मिस्टर कैंग भी आया होता है। मिस्टर कैंग बताता है कि वो यहाँ पर अपने पुराने दोस्त से मिलने आया था। वो वहाँ से जा ही रहा होता है तो किमदान उससे कहता है कि तुम भी हमें ज्वाइन कर लो ना, हमें अच्छा लगेगा। योनसियो नहीं चाह रही होती कि मिस्टर कैंग उनके साथ आए पर मिस्टर कैंग उनके साथ आने के लिए हाँ कर देता है। फिर किमदान उन दोनों को साथ में टेम्पल के अंदर भेज देता है ताकि वो दोनों साथ में प्रे कर सके। तभी किमदान और मिस्टर कैंग एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि पिछले दिन किमदान मिस्टर कैंग से मिलने गया था। किमदान ने मिस्टर कैंग से कहा था कि जब भी उसको मदद चाहिए हो तो वो उसकी मदद करेगा जितना वो कर सकता है। तब मिस्टर कैंग ने कहा कि ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और वो उसके लिए किमदान को कुछ भी दे सकता है। पर किमदान ने कहा था कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस ये चाहता है कि योनसियो को उसकी जगह वापस मिल जाए। किमदान ये इसलिए कर रहा होता है ताकि मिस्टर कैंग और योनसियो करीब आ सके और उनमें प्यार हो जाए ताकि उसका मिशन कंप्लीट हो सके। इसीलिए किमदान प्लान बनाकर दोनों को टेंपल लेकर आया होता है। जब योनसियो और मिस्टर कैंग टेंपल से बाहर आते हैं तो योनसियो का सूज बाहर तो होता ही नहीं क्योंकि किसी ने सूज चुरा लिया होता है। तो किमदान योनसियो को मिस्टर कैंग के साथ छोड़कर सूज ढूंढने चला जाता है। दरअसल योनसियो के सूज किमदान ने ही छुपा कर रखा होता है ताकि इसी बहाने वो मिस्टर कैंग और योनसियो को अकेले छोड़ सके ताकि वो दोनों साथ में कुछ टाइम बिता सके। और ऐसा ही होता है, वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं जहाँ पर मिस्टर कैंग योनसियो की काफी केयर कर रहा होता है, उसका अच्छे से ध्यान रख रहा होता है, जो देखकर योनसियो भी काफी खुश होती है। और योनसियो को खुश देखकर किमदान भी काफी खुश होता है क्योंकि उसे अपना मिशन जो कंप्लीट करना होता है। फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जहां पर मिस चोई बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होती है कि योनसियो नहीं आएगी। मिस्टर कैंग को भी यकीन होता है कि वह नहीं आएगी, लेकिन योनसियो आती है और बिना किसी के सहारे चल रही होती है, जो देखकर मिस चोई, मिस्टर कैंग और सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। योनसियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि मैं रिटर्न करने वाली हूँ, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी पर मेरा डांस जरूर बोलेगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो मिस चोई उसके पीछे आती है और योनसियो से कहती है कि तुम हमेशा से ही ठीक थी
थी और सबको बेवकूफ बना रही थी, है कि नहीं। योन्सियो कहती है कि आप मेरी कंपनी को संभाल रही थी, पर अब नहीं, मैं बहुत ही जल्द अपनी कंपनी का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाली हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस जोई काफी ज्यादा ही परेशान हो जाती है कि कंपनी उसके हाथों से जाने वाली है। योन्सियो बिना किसी के सहारे चल पाई क्योंकि योन्सियो ने किमदान का रुमाल अपने हाथ पे बांध रखा था, जिसने उसको हिम्मत दी और उसको लगा कि किमदान उसके साथ ही है। फिर किमदान और योन्सियो कंपनी के पीछे बैठकर योन्सियो के जीत का जश्न मना रहे होते हैं। योन्सियो किमदान को थैंक यू कहती है उसके लिए इतना कुछ करने के लिए। किमदान ने योन्सियो को ठीक करने के लिए बहुत कुछ किया था, उसने अपना जी जान लगा दिया था ताकि योन्सियो बिना किसी के सहारे चल पाए। और इन्हीं चीजों को देखते हुए योन्सियो किमदान के तरफ अट्रैक्ट होने लगी और उसे थोड़ा बहुत लाइक करने लगी। योन्सियो किमदान से कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। योन्सियो किमदान को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है तो किमदान अपनी आंखें बंद कर लेता है। योन्सियो किमदान की गाल पे किस करने जा रही होती है और किस करने ही वाली होती है कि किमदान अपना सिर घुमा लेता है, जिससे उन दोनों के बीच में लिप टू लिप किस हो जाता है। योन्सियो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे गाल पे एक छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहती थी, तुमने अपना सिर क्यों घुमाया। तभी किमदान योन्सियो को किस करता है और उन दोनों को किस करते हुए मिस्टर कैंग देख लेता है। तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर कैंग एक लड़की से प्यार करता था जो कि मर गई और वो हूबहू योन्सियो की तरह दिखती थी। उनको किस करते देख मिस्टर कैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम मिस्टर कैंग की परछाई देखते हैं जहां पर उसके विंग्स भी होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर कैंग भी एक एंजल है। कि जब किमदान और योन्सियो किस कर रहे होते हैं तभी बारिश आ जाती है और बारिश में अगर किमदान भीग गया तो उसके विंग्स निकल आएंगे और योन्सियो उसकी सच्चाई जान जाएगी। इसीलिए किमदान योन्सियो को आई एम सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। किमदान योन्सियो को बिना कुछ कहे उसे बारिश में छोड़कर चला गया। इससे योन्सियो को बहुत ज्यादा ही बुरा लगा, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्यों चला गया, इसीलिए वो काफी इमोशनल हो जाती है। योन्सियो बारिश में भीग रही होती है तभी वहाँ पर मिस्टर कैंग छाता लेकर आता है। वो पूछता है कि किमदान कहाँ पर है। तब योन्सियो कहती है कि उसे छोड़ो, चलो यहाँ से। फिर मिस्टर कैंग योन्सियो को अपनी कार से घर छोड़ने जाने लगता है। मिस्टर कैंग योन्सियो से कहता है कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बॉम्ब छोड़ दिया है, मतलब कि तुमने अनाउंस कर दिया है कि तुम रिटर्न करने वाली हो, इसीलिए तुम्हें प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए ताकि तुम अपने शेप में आ सको। लेकिन तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। योन्सियो कहती है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। फिर मिस्टर कैंग कहता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो क्योंकि अगर तुम फेल होती हो तो मेरे भी रेपुटेशन खराब होगी क्योंकि मैंने ही तुम्हें लीड बैलरीन चुना है। तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने शेप में आ जाओ, और अगर तुम नहीं आ पाई तो मैं नीना को लीड बैलरीन बना दूंगा। योन्सियो कहती है कि 2 हफ्ते बहुत ज्यादा है, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता चाहिए, मैं 1 ही हफ्ते में कर लूंगी। तभी शीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूना नीना को ढूंढ रही होती है। तभी वो नीना को देखती है जो कि काफी ज्यादा ही रो रही होती है। रूना उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तब नीना कहती है कि उसने मिस्टर कैंग को बताया कि वो उसको पसंद करती है पर मिस्टर कैंग ने मना कर दिया और साथ ही योन्सियो भी वापस आने वाली है तो वो अब लीड बैलरीन नहीं रहेगी, इसीलिए वो काफी ज्यादा ही दुखी होती है और रोए जा रही होती है। तब रूना नीना को डांटती है और उससे कहती है कि कब तक यूं कमजोरों की तरह रोती रहोगी, क्या तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आता, हर बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना सीखना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। किमदान बहुत ज्यादा ही पछता रहा होता है कि उसने योन्सियो को किस क्यों किया, उसे बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ योन्सियो को भी काफी ज्यादा ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि किमदान उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया था। किमदान को फोन कर पूछना चाह रही होती है पर वो नहीं करती, वो किमदान का इंतजार कर रही होती है और किमदान उसके घर के गेट के पास आता भी है पर वो अंदर नहीं जाता क्योंकि उसने जो किया वो उसके लिए काफी ज्यादा पछता रहा होता है। वो अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए एक बार में जाता है कुछ ड्रिंक्स करने के लिए। वहाँ पर मिस्टर कैंग भी आया होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। मिस्टर कैंग ने किमदान और योन्सियो को किस करते हुए देख लिया था जो कि उसे अच्छा नहीं लगा था, तो वो कहता है कि तुम जिस तरह से अभी काम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है, इसीलिए जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें एक नया जॉब दिलवाऊंगा जहाँ पर तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी होगी और तुम उन पैसों से वो सब कर पाओगे जो कि तुम करना चाहते हो। किमदान कहता है कि फिलहाल मुझे जॉब की जरूरत नहीं है पर अगर योन्सियो मुझे जॉब से निकाल देती है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। फिर मिस्टर कैंग कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम भूल गए तुम्हें क्या करना है या फिर तुमने अपना मन बदल लिया।
तब किमदान कहता है कि मैं अपना वादा निभाऊंगा, मैं खुद तुम्हें और योनसियो को मिलवाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब सुबह होती है तो मिस जंग योनसियो के घर आती है तो वो देखती है कि योनसियो तो बाहर ही बैठी है। मिस जंग पूछती है कि इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, क्या तुम पूरी रात सोई नहीं? योनसियो कहती है कि बिना किसी नोटिस के वर्क प्लेस को छोड़कर चले जाना क्या इस रीजन से किसी को काम से निकाल सकते हैं? मिस जंग कहती है कि क्या ये किमदान के बारे में है, उसने रात को कुछ किया है क्या? वो मिस जंग से कहती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। तब मिस जंग कहती है कि मेरी वजह से? अच्छा, तो तुम किमदान के बारे में बात कर रही हो, उसे तुम पे क्रश है। योनसियो कहती है कि उसे नहीं है। फिर मिस जंग कहती है कि क्या तुमने उससे पूछा? तब योनसियो कहती है कि नहीं, मैंने उससे नहीं पूछा। तभी वहाँ पर किमदान आता है तो योनसियो उससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है। किमदान योनसियो से कहता है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया था इसीलिए मुझे जाना पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बाउंड्रीज पार करने चला था लेकिन मैं अब अपने काम पे ध्यान दूंगा। योनसियो कहती है ठीक है, मुझे स्टूडियो जाना है प्रैक्टिस करने के लिए। योनसियो के घर में ही एक स्टूडियो होता है जहाँ पर वो डांस प्रैक्टिस किया करती थी। किमदान योनसियो को वहाँ लेकर जा रहा होता है तो वो योनसियो से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो योनसियो कहती है बोलो। फिर किमदान कहता है कि कल रात जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। योनसियो कहती है ठीक है, भूल जाते हैं। फिर वो स्टूडियो के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो अपने आप से कह रही होती है कि वो ऐसे कैसे कह सकता है, भूल जाओ, एक किस उसके लिए बहुत ही मामूली चीज लगती है। बोल तो ऐसे रहा था कि ये उसका रोज का काम है, बस भूल जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, गधा कहीं का। किमदान अपने कमरे में जाता है तो उसे बार बार वही किस वाला मोमेंट याद आ रहा होता है तो वो अपने आप को शांत करने लगता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपना मिशन कम्प्लीट करने आया हूँ, मुझे ऐसी चीज में नहीं पड़ना जिससे मैं अपने मिशन से भटक जाऊं, इसीलिए मुझे अपने काम पे फोकस करना होगा। थोड़ी देर बाद योनसियो बैलरीन का ड्रेस पहनकर डांस प्रैक्टिस करने लगती है। वहीं किमदान बाहर ही होता है ताकि योनसियो को कुछ भी चाहिए तो वो लाकर उसे दे सके। किमदान भी योनसियो को डांस करते हुए देख रहा होता है। योनसियो को डांस करते करते वो एक्सीडेंट याद आ जाता है जब उसकी आंखों में कांच चले गए थे और वो अंधी हो गई थी, तो वो डांस से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तो किमदान दौड़ के उसके पास आता है और उसको उठाने के लिए उसको टच करता है तो योनसियो उस पे काफी गुस्सा करती है। वो कहती है कि अगर फिर कभी मेरी बॉडी को मेरे परमिशन के बिना टच किया तो मैं तभी तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी, समझे कि नहीं? तब किमदान कहता है कि मैं समझ गया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। फिर योनसियो कहती है कि अगर समझ में आ गया है तो यहाँ से बाहर निकलो और अंदर तब तक मत आना जब तक मैं ना तुम्हें बुलाऊं। फिर किमदान बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद योनसियो वॉक पे जा रही होती है तो उसके गेट के बाहर नीना आई होती है उससे मिलने के लिए। नीना योनसियो के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है जो कि होता है डांसिंग शूज। वो योनसियो से कहती है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कम्पीट करने वाली हूँ तो अच्छे से तैयारी कर लेना, मैं भी बहुत अच्छे से तैयारी करने वाली हूँ, तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस चोई को जो कि बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में होती है, जहाँ पर बोर्ड मेंबर्स मिस चोई से कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि योनसियो अपनी कंपनी को अपने हाथ में लेने वाली है। और साथ ही वो लोग ये भी पूछते हैं कि योनसियो अपनी कंपनी को वापस लेने वाली है तो वो और उसके हस्बैंड कंपनी कब छोड़ने वाले हैं। ये सुनकर मिस चोई को काफी बुरा लगता है तो वो कहती है कि अभी मैं कंपनी नहीं छोड़ने वाली क्योंकि योनसियो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं ही कंपनी संभालने वाली हूँ। तभी एक बोर्ड मेंबर कहता है कि मैंने सुना है कि डांसर्स को पता चल जाता है कि वो अच्छे कंडीशन में है कि नहीं, तुम्हें लगता है कि उसने अपना रिटर्न अनाउंस कर दिया ये सोचे बिना ही कि वो ठीक है कि नहीं? फिर मिस चोई कहती है कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वो ठीक है कि नहीं तो बहुत ही जल्द फैंटेसिया नाइट आने वाला है। फैंटेसिया नाइट एक इवेंट होता है जहां पर कंपनी के सभी लोग और बाहर से भी बड़े बड़े लोग आते हैं पार्टी करने के लिए। मिस चोई कहती है कि फैंटेसिया नाइट पे मैं योनसियो को भी बुलाने वाली हूँ तो आप लोग खुद ही चेक कर लीजिएगा कि वो ठीक है कि नहीं। यही बात मिस चोई मिस्टर कैंग को बताती और कहती है कि उसको योनसियो को उस पार्टी में लेकर आना होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे जो कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिस्टर कैंग मिस चोई को मना कर देता है और कहता है कि मैं उसको नहीं लाने वाला क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं किमदान को जो कि अपने कमरे में बैठा होता है। तभी योनसियो उसको फोन करके स्टूडियो में बुलाती है। योनसियो किमदान को खड़े रहने के लिए कहती है और उसे थोड़ा सा भी हिलने से मना करती है क्योंकि योनसियो अकेले अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी।
तो वो किमदान को पकड़कर डांस प्रैक्टिस करने लगती है। वो किमदान के काफी करीब आकर डांस कर रही होती है, जिससे किमदान काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। तो उसे वहाँ पर रुका नहीं जाता, तो वो वहाँ से बाहर जाने लगता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर कैंग आ जाता है। मिस्टर कैंग योन्सियो से मिलने के लिए आया होता है ताकि वो जान सके कि योन्सियो जहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है वो जगह ठीक है कि नहीं, और साथ ही वो ये भी जान सके कि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है कि नहीं। वो योन्सियो को बताता है कि कुछ दिन बाद फैंटेसिया नाइट है और बोर्ड मेंबर्स चाहते हैं कि तुम वहाँ पर रहो। वो चाहते हैं कि तुम वहाँ पर एज ए बैलरीन एक एक्ट परफॉर्म करो ताकि वो जान सके कि तुमने कितना प्रैक्टिस किया है और तुम्हारी कंडीशन ठीक है कि नहीं, या फिर तुम वहाँ पर कंपनी की चेयरवुमन के तौर पर भी आ सकती हो, फैसला तुम्हारा है। इतना कहकर वो बाहर आ जाता है। मिस्टर कैंग किमदान से बाहर बात करने लगता है। जब योन्सियो किमदान को पकड़ कर डांस कर रही थी तो मिस्टर कैंग ने देख लिया था, जो देखकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया था, तो वो सारा गुस्सा किमदान पे निकालता है। वो किमदान से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझे ही साइड करना चाहते हो। क्या तुम्हारे दिल में योन्सियो के लिए फीलिंग्स है? ये सुनकर किमदान काफी शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर मिस्टर कैंग कहता है कि अगर कुछ नहीं है तो अपना वादा निभाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। किमदान खुद कंफ्यूज्ड होता है कि उसके दिल में योन्सियो के लिए फीलिंग्स है कि नहीं। वो काफी परेशान हो जाता है, तो वो हु के पास चला जाता है और उसे बता देता है कि उसने योन्सियो को किस किया था, जो सुनकर हु काफी शॉक्ड रह जाता है। वो किमदान पे काफी गुस्सा करता है कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। किमदान कहता है कि ये सब ह्यूमन बॉडी की वजह से हुआ है। जब उसने मुझे किस किया तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। जब वो मेरे करीब होती है तो मैं सांस नहीं ले पाता, मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में योन्सियो के लिए फीलिंग्स है कि नहीं। किमदान की बातें सुनकर हु भी काफी परेशान हो जाता है। तभी हु को एक पुरानी बात याद आता है। वो कहता है कि 15 साल पहले एक एंजल था जो कि आर्ट का इंचार्ज था। उसे एक मिशन दिया गया था कि वो इंसानी रूप लेकर आर्टिस्ट को इंस्पायर करे। वो बहुत सारे बेकार आर्टिस्ट से मिलकर पक गया था। फिर वो एक इंसान से मिला जिसके साथ वो ज्यादा टाइम बिताने लगा। मैंने सुना है कि एक वक्त आता है जब एंजल अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और ऐसा ही हुआ एंजल ऑफ आर्ट के साथ। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया और प्यार में पड़ गया। अगर कोई एंजल गॉड को छोड़कर किसी और से प्यार करे तो वो एक पाप है, एक गुनाह है। किमदान पूछता है तो फिर उस एंजल के साथ क्या हुआ। फिर हु कहता है कि अगर कोई एंजल पाप करता है तो उसे मिटा दिया जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद किमदान समझ जाता है कि प्यार उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए उसे ऐसी चीजों से दूर ही रहना चाहिए। जब किमदान शाम को घर वापस आता है तो मिस जंग उसको बताती है कि आज योन्सियो पूरे दिन से प्रैक्टिस कर रही है। उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया और ना ही वो किसी को अंदर आने दे रही है। फिर किमदान उसके पास जाता है और उसको रुकने के लिए कहता है, पर वो नहीं रुकती। वो पूरे दिन से डांस कर रही होती है जिसकी वजह से उसके पैर से खून बहने लगते हैं, तो वो रुक जाती है और अपने शूज निकाल कर खून पोंछने लगती है। किमदान उससे कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। योन्सियो कहती है कि बकवास मत करो, मुझे एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल अपने शेप में आना है, तो यहाँ से चले जाओ। फिर किमदान कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, आज रेस्ट कर लो। अगर तुम फिर से इंजर्ड हो गई तो तुम फिर से डांस नहीं कर पाओगी और पहले की तरह दुखी हो जाओगी। ये सुनकर योन्सियो रोने लगती है और कहती है, आई हेट यू, मेरी चिंता करना छोड़ दो, मेरा इतना ख्याल मत रखो। मुझे ये नहीं पसंद कि कोई मेरी इतनी फिक्र करे, इससे मैं बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती हूँ। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए ही यहाँ पर हो और तुम ही हो जो कि मेरे साथ प्यार से पेश आते हो। तुमने कहा था कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। तभी किमदान को हु की बातें याद आ जाती है कि अगर वो किसी इंसान से प्यार करेगा तो उसे मिटा दिया जाएगा। वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है उन बातों को सोच कर, तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं करता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। योन्सियो को बहुत बुरा लगा कि किमदान उसको पसंद नहीं करता। योन्सियो अपने शेप में आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है, वो दिन रात बस प्रैक्टिस किए जा रही होती है, और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। किमदान योन्सियो की कुछ फोटोज देख रहा होता है, तभी उसे योन्सियो की बचपन की एक फोटो मिलती है। उस फोटो के पीछे लिखा होता है मोंग्यू आईलैंड का
दिन जिस दिन मैंने फिर से बैलेट स्टार्ट किया था, वहीं पर मेरा फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट ऑडियंस था। फिर हम देखते हैं मिस जंग योनसियो के पास जाती है, तो योनसियो उनसे डेट पूछती है, तो मिस जंग बताती है कि तुम्हारे रिटर्न को अनाउंस किए एक हफ्ते बीत चुका है। तभी योनसियो को मिस चोई फोन करती है और उसे कंपनी में आने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद योनसियो मिस जंग के साथ मिस चोई से मिलने जाती है। वो किमदान के साथ नहीं गई होती क्योंकि वो किमदान से गुस्सा होती है। मिस चोई योनसियो को बताती है कि फैंटेसिया नाइट पे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर आने वाले हैं जो कि तुमसे स्पेशली मिलना चाहते हैं, और सब कुछ ठीक रहा तो वो हमारी कंपनी को स्पॉन्सर्ड भी कर सकते हैं। ये कंपनी का सवाल है और वहीं पर मैं ये भी अनाउंस कर दूंगी कि अब से कंपनी तुम चलाने वाली हो। ये सारी बातें सुनने के बाद योनसियो वहाँ पर आने के लिए मान जाती है। योनसियो वहाँ से जा रही होती है तो वो बाहर मिस्टर कैंग को देखती है जो कि उसका ही इंतजार कर रहा था। फिर मिस्टर कैंग योनसियो को मोंग्यू आइलैंड लेकर जाने लगता है, पर वो ये बात योनसियो को नहीं बताता। मोंग्यू आइलैंड पर किमदान पहले ही पहुँच चुका होता है ताकि योनसियो के आने से पहले वो सभी तैयारी कर सके। किमदान अपनी जी जान लगाकर वहाँ पर एक अच्छा सा सेटअप बनाता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर कैंग और योनसियो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। योनसियो को ये आइलैंड याद नहीं होता क्योंकि वो बहुत सालों पहले यहाँ पर आई थी जब वो छोटी थी। योनसियो पूछती है कि ये कौन सी जगह है। फिर मिस्टर कैंग कहता है कि तुम जब छोटी थी तो यहाँ पर आई थी। ये सुनकर योनसियो को याद आता है कि वो यहाँ पर आ चुकी है। वो मिस्टर कैंग को बताती है कि यहाँ पर उसने डांस किया था और यहीं पर एक बच्चा था जिसने उसका डांस देखा था जो कि उसका पहला ऑडियंस था। तब मिस्टर कैंग कहता है कि आज मैं तुम्हारा डांस देखना चाहता हूँ एज अ ऑडियंस, तो क्या तुम डांस करोगी। फिर योनसियो वहाँ पर डांस करने लगती है और वो बहुत अच्छा डांस कर रही होती है। किमदान भी उसका डांस देख रहा होता है क्योंकि वो भी वहीं पर छिपा हुआ होता है। मिस्टर कैंग को योनसियो का डांस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो वो जाकर योनसियो को गले लगा लेता है। किमदान को भी योनसियो का डांस बहुत ज्यादा अच्छा लगा और वो उसके डांस देखकर समझ गया कि अब योनसियो भी बदल रही है। इस बात का उसे खुशी भी होती है, पर वो सोच रहा होता है कि मैं अपने मिशन को कंप्लीट करने के इतने करीब हूँ पर मेरा दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है। तभी हमें थोड़ी सी फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पर योनसियो डांस कर रही होती है और एक बच्चा उसका डांस देख रहा होता है। उस बच्चे को योनसियो का डांस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो उसे रोना आ जाता है, तो योनसियो उसको गले लगा लेती है। और जब योनसियो डांस कर रही थी तब मिस्टर कैंग को अपनी गर्लफ्रेंड याद आ गई जो कि मर चुकी है, पर वो भी बहुत अच्छी बैलेट डांस करती थी इसीलिए वो चाहता है कि योनसियो फिर से डांस करे। मिस्टर कैंग योनसियो से बातें कर ही रहा होता है कि तभी किमदान जहाँ पर छिपा हुआ होता है उसका दरवाजा टूट जाता है, तो योनसियो उसको देख लेती है। फिर वो किमदान को बहुत ज्यादा डांटती है कि वो छिपकर उसका डांस देख रहा था। किमदान बताता है कि तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था ताकि तुम्हें खुशी मिले, इसीलिए मैंने ये सब सेटअप लगाया। योनसियो किमदान से गुस्सा होती है क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता, इसीलिए वो किमदान को डांटती है और कहती है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे बारे में सोचना बंद करो। फिर जब सभी साथ में घर जा रहे होते हैं तो मिस्टर कैंग योनसियो से कहता है कि तुम्हें फैंटेसिया नाइट पे आना चाहिए और मेरे ख्याल से तुम्हें एक परफॉर्मेंस भी देना चाहिए ताकि तुम लोगों को बता सको कि तुम बिल्कुल तैयार हो। वहीं किमदान कहता है कि तुम्हें कोई परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चेयरवुमन के तौर पर वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन योनसियो उन दोनों को चुप होने के लिए कहती है क्योंकि वो खुद ही डिसाइड कर लेगी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी बच्चे को जिसने योनसियो का डांस देखा था। वो किसी से भाग रहा होता है और वो समुद्र के साइड में छिपने जाता है, पर वो समुद्र में ही गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि किमदान ये सब सपना देख रहा था, मतलब कि उस बच्चे के साथ किमदान का कुछ तो कनेक्शन है। फिर अगले दिन किमदान एक एकेडमी जाता है जहाँ पर गाड़ी चलाना सिखाते हैं। वहाँ पर हु भी आ जाता है और वो भी किमदान की मदद करने लगता है ताकि वो गाड़ी चलाना सीख सके। किमदान गाड़ी चलाना इसलिए सीख रहा होता है ताकि योनसियो को कहीं भी जाना हो तो वो उसे लेकर जा सके। किमदान ने हु को एक रिपोर्ट दिया होता है जिसमें उसे बताना होता है कि उसका मिशन कैसा जा रहा है, पर उसने रिपोर्ट में मिशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता है, उसने बस योनसियो के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें लिखा होता है जो देखकर हु काफी हैरान रह जाता है। उसके बाद हमें
हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पर मिस्टर कैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था, पर तभी वहाँ पर गॉड आ गया था और गॉड अपनी जादुई बंदूक से मिस्टर कैंग को मारने ही वाला था, उसे मिटाने ही वाला था, लेकिन बीच में आ गई थी मिस्टर कैंग की गर्लफ्रेंड और गोली उसको लग गई थी और इसी वजह से उसकी जान चली गई थी। और गॉड ने सजा के तौर पर मिस्टर कैंग को नहीं मारा था ताकि वो अपने गर्लफ्रेंड के बिना मर मर के जिए। मिस्टर कैंग ने अपने आप को मारने की बहुत कोशिश की थी पर वो नहीं मर पाया क्योंकि गॉड ने उसको श्राप दिया था कि वो कभी भी मर नहीं पाएगा। फिर अगले दिन योनसियो डिसाइड करती है कि वो फैंटेसिया नाइट पार्टी में चेयरवुमन के तौर पे जाएगी और फिर शाम को वो मिस्टर कैंग और किमदान के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। पार्टी एक शिप में चल रही होती है और सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन रूना और मिस चोय एक वेटर के जरिए योनसियो के पास कुछ फ्रूट्स पहुँचा देते हैं जिसमें उन्होंने कुछ दवाइयाँ मिला दिया होता है, जो खाकर योनसियो अपनी होश खो बैठती है और जो स्पॉन्सर्स वहाँ पर उसके बारे में बुरा कह रहे थे वो उन पे चिल्लाने लगती है, जो देखकर वहाँ पर आए सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि योनसियो की मानसिक हालत ठीक नहीं है। योनसियो होश में नहीं होती तो वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती, वो शिप से गिरने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पर किमदान उसको पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। अब योनसियो की हालत ठीक नहीं थी तो वो खुद से घर नहीं आ सकती थी, इसीलिए किमदान उसको घर लेकर आता है। फिर जब अगली सुबह योनसियो होश में आती है यानी कि सोकर उठती है तो उसे याद आता है कि उसने पार्टी में क्या किया था। वो काफी परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, जबकि उसने थोड़ी सी भी शराब नहीं पी थी तो वो होश कैसे खो सकती है। वहीं दूसरी तरफ सभी बोर्ड मेंबर्स बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए अगर योनसियो परफॉर्म करती है तो। वो लोग मिस्टर कैंग को योनसियो को लीड बैलरीन से हटाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो अपना पैसा योनसियो के ऊपर नहीं लगाना चाहते। मिस्टर कैंग बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है कि वो क्या करे, कि तभी उसे पता चलता है कि नीना और बाकी सभी डांसर स्ट्राइक पे चले गए हैं योनसियो को लीड बैलरीन के जगह से हटाने के लिए। ये जानकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं योनसियो बहुत ज्यादा परेशान होती है, तभी वहाँ पर किमदान आता है और योनसियो को दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मिस्चोय योनसियो से मिलने आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कंपनी नहीं सौंपने वाली बल्कि तुम मुझे कंपनी सौंप दो, सभी बोर्ड मेंबर्स तुम्हारे खिलाफ है जो कि नहीं चाहते कि तुम परफॉर्म करो, यहाँ तक के जितने भी डांसर थे वो सभी स्ट्राइक पे चले गए हैं तुम्हें हटाने के लिए, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम पीछे हट जाओ और कंपनी मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, अगर तुमने रिजाइन नहीं किया तो सारे स्पॉन्सर्स भाग जाएंगे और तुम्हारे पेरेंट्स ने जो ये कंपनी इतने सालों में बनाया था वो खत्म हो जाएगा, तो ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कंपनी को बचाना चाहती हो या डुबाना, इतना कहकर वो चली जाती है। इन सभी बातों से योनसियो काफी परेशान हो जाती है और वो बहुत दुखी हो जाती है कि उसकी वजह से उसकी कंपनी बर्बाद होने के कगार पे है। वो काफी परेशान और दुखी होती है, इसीलिए वो एक बार में कुछ ड्रिंक्स करने चली जाती है। वहाँ पर किमदान भी उसके साथ आया होता है। योनसियो काफी ड्रिंक कर रही होती है तो किमदान उसको रोक रहा होता है। तभी योनसियो किमदान को बताती है कि मेरा जो पहला ऑडियंस था उसको मेरा डांस इतना पसंद आया था कि वो रोने लगा था, उसने मुझे बताया था कि जब मैं डांस करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश दिखती हूँ, उसने ही मुझे एहसास दिलाया था कि मैं कितना अच्छा डांस करती हूँ और इसीलिए मैंने फिर से डांस करना स्टार्ट किया था, पर मैं उसे भूल गई थी, वो मुझे याद ही नहीं था और अब जाकर मुझे फिर से अपना गोल मिला है, पर ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। योनसियो बहुत शराब पी चुकी होती है तो वो होश में नहीं रहती, तो किमदान उसको अपने पीठ पर बिठाकर घर ले जा रहा होता है, जहाँ पर योनसियो कहती है कि तुम हर बार मुझे बचाते हो, मेरी मदद करते हो, पर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, इस दुनिया में मुझे कोई पसंद नहीं करता लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है, तुम मुझे पसंद नहीं करते जो कि मुझे बहुत बुरा फील करवाता है और इस बात पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, तुमने कहा था कि मैं अच्छी हूँ सुंदर हूँ पर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। किमदान ये बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है पर वो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो योनसियो को लेकर घर पहुँच जाता है और योनसियो को उसके बेड पे सुला देता है। योनसियो सो चुकी होती है तो किमदान कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकता हूँ, इन बातों को सोचकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मैं तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता। फिर अगली सुबह योनसियो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तो वह काफी उदास होती है, तभी वहाँ पर किमदान और मिस जंग आती है और योनसियो से कहते हैं कि हमें कुछ तो करना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है,
तभी योन्सियो को मिस चोई फोन करके बताती है कि उसने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग रखी है, तो उसे आकर बताना है कि वो परफॉर्मेंस और फैंटेसिया कंपनी से रिजाइन दे रही है। इतना कहकर वो फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद किमदान योन्सियो को लेकर फैंटेसिया जाने लगता है, लेकिन किमदान रास्ते में गाड़ी रोक कर योन्सियो को समझाने लगता है कि उसे रिजाइन नहीं देना चाहिए। वो कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें उस बीच पर डांस करते वक्त बहुत खुश देखा था। अगर तुम डांस करती रहोगी तो तुम कभी भी अकेली नहीं पड़ोगी। मैंने देखा है कि डांस के बिना तुम अधूरी हो। डांस तुम्हारी जान है तो तुम्हें डांस नहीं छोड़ना चाहिए। इन सभी बातों को सुनकर योन्सियो को काफी हिम्मत मिलती है, तो वो फैंटेसिया जाकर सभी बोर्ड मेंबर से माफी मांगती है और वो कहती है कि मैं आप सभी को अपने परफॉर्मेंस से बता दूंगी कि मैं मेंटली और फिजिकली बिल्कुल ही ठीक हूँ, और अगर मेरी वजह से परफॉर्मेंस खराब हुआ या फिर आपका नुकसान हुआ तो मैं बैलेट थिएटर और फैंटेसिया कंपनी से रिजाइन कर दूंगी। इतना कहकर वो बाहर चली आती है। योन्सियो की बातें सुनकर मिस चोई बहुत ज्यादा शॉक्ड और परेशान रह जाती है, क्योंकि योन्सियो ऐसा करेगी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फैंटेसिया के सभी डांसर्स स्ट्राइक पे जा चुके होते हैं और वो मिस्टर कैंग को फोन करके बताते हैं कि अगर वो योन्सियो को लीड बैलरीन से हटा देते हैं तो वो सभी स्ट्राइक को खत्म कर देंगे, लेकिन मिस्टर कैंग ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर वो लोग कल तक प्रैक्टिस करने नहीं आए तो उन सभी को फायर कर दिया जाएगा और उनकी जगह नए डांसर्स को रख लिया जाएगा। लेकिन योन्सियो को मिस्टर कैंग की बात अच्छी नहीं लगती, तो वो खुद जाकर उन सभी डांसर्स से बात करने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो सभी डांसर्स एक हॉस्पिटल में फ्री में पेशेंट का ख्याल रखने का काम कर रहे होते हैं, तो योन्सियो भी वही काम करने लगती है ताकि उन्हें मना सके। उन सभी डांसर्स को लग रहा होता है कि योन्सियो अपने आप कुछ ही देर में यहाँ से चली जाएगी, पर वो नहीं जाती। किमदान और योन्सियो दोनों मिलकर पेशेंट की देखभाल करने लगते हैं। योन्सियो के लिए ये काम काफी मुश्किल होता है, पर वो हार नहीं मानती, वो डटी रहती है और इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। फिर शाम को सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तो योन्सियो भी अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन मिस्टर कैंग सभी डांसर्स का इंतजार कर रहा होता है, पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि उन सभी ने डिसाइड किया होता है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे। वो सभी हॉस्पिटल में काम करने आते हैं और तभी योन्सियो और किमदान भी वहां पर आते हैं। वो सभी योन्सियो को देखकर काफी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि योन्सियो एक दिन में ही इस काम से थक जाएगी और वो वापस नहीं आएगी, पर वो आई और उसने सबको हैरान कर दिया। और फिर वो उसके अगले दिन भी आती और साथ ही मिस्टर कैंग को भी हॉस्पिटल बुलाती और सभी डांसर्स के सामने ये अनाउंस करती है कि एक ऑडिशन होगा जिसमें तुम सभी पार्टिसिपेट कर सकते हो लीड बैलरीन के लिए, और मैं भी करूंगी, और जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा वही लीड बैलरीन बनेगी। अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो मैं एज अ साइड डांसर परफॉर्म करूंगी। योन्सियो की ये बातें सभी डांसर्स को पसंद आती है, तो वो सभी ऑडिशन के लिए मान जाते हैं और स्ट्राइक को खत्म कर देते हैं। फिर शाम को किमदान मार्केट से कुछ सामान खरीदने के लिए आया होता है, जहां पर उसे हु मिल जाता है। किमदान और हु बातें कर ही रहे होते हैं तो उनकी बातें मिस्टर कैंग सुन लेता है, क्योंकि वो भी मार्केट आया होता है, और उन दोनों की बातें सुनकर मिस्टर कैंग को पता चल जाता है कि किमदान एक एंजल है जो कि अपना कोई मिशन कंप्लीट करने के लिए योन्सियो के पास आया है। थोड़ी देर बाद किमदान घर वापस आ जाता है और वो योन्सियो के लिए खाना बना रहा होता है, तभी योन्सियो भी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो दोनों साथ में खाना बनाने लगते हैं, पर वो दोनों बहुत ही बुरे कुक होते हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे साथ में मिलकर कुछ न कुछ खाने लायक बना ही लेते हैं। फिर वो दोनों साथ में खाते हैं और उसके बाद योन्सियो सोने चली जाती है। योन्सियो बहुत ज्यादा खुश होती है, वो मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसे किमदान के साथ में खाना बनाना बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब योन्सियो छोटी थी तो वो बारिश में कहीं जा रही थी, तो वही लड़का जिसने योन्सियो का डांस देखा था वो समुद्र में कूदने ही वाला होता है, पर योन्सियो उसको रोक लेती है। फिर योन्सियो उसको अपना नाम बताती है और उसका नाम पूछती है, तो वो अपना नाम बताने ही वाला होता है, तभी किमदान की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि किमदान ये सब सपना देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे ये सपने बार बार क्यों आ रहे हैं, तो वो सीधा पहुंच जाता है हु के पास और उसे सब कुछ बता देता है कि उसके सपने में एक लड़का आता है पर उसने उस लड़के को कभी नहीं देखा। तब हु कहता है कि ये सब तुम्हारे मन का ख्याल है, तुम इंसान बन चुके हो इसीलिए तुम्हें सपने आ रहे हैं। फिर हु किमदान को उसी हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां पर योन्सियो और सभी डांसर्स काम कर रहे थे। वहां पर एक ओल्ड कपल होते हैं जिनमें से बूढ़ा आदमी एक एंजल होता है, पर वो एक इंसान से प्यार कर बैठा और ये गॉड के हिसाब से पाप है, इसीलिए हु उसको मिटा देता है, वो धूल की तरह हवा में उड़ जाता है।
हु जाने से पहले किमदान से कहता है कि अगर तुमने भी ऐसी बेवकूफ़ी की तो तुम्हें भी इसी तरह मिटा दिया जाएगा, तो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना। उस बूढ़े आदमी के गायब होने पर वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उस औरत को रोते देख किमदान को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी एक एंजल है और वो योनसियों को पसंद करता है। वो सोचता है कि अगर मैं भी इसी तरह गायब हो गया तो योनसियों का भी हाल ऐसा ही हो जाएगा क्योंकि योनसियों भी किमदान को पसंद करती है। इन्हीं बातों को सोच कर किमदान बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि योनसियों इसी तरह उसके लिए रोए और तड़पे। इसीलिए वो भाग कर सीधा योनसियों के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, जो सुनकर योनसियों काफी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि किमदान उसे छोड़कर जाए। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। योनसियों सपना देख रही होती है और सपने में वो किमदान के साथ होती है एक कपल की तरह। इसीलिए वो लोग साथ में बहुत सारे पिक्चर्स लेते हैं और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं, तभी योनसियों का नींद खुल जाता है। योनसियों ये सपना इसलिए देख रही थी क्योंकि वो किमदान को पहले से भी ज्यादा लाइक करने लगी है। वो उठती है और किमदान के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, तभी वहाँ पर किमदान भी आ जाता है तो योनसियों उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। लेकिन किमदान कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। वो कहता है कि मुझे अपना काम छोड़ना है, फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी योनसियों उसको रोकती है और उससे पूछती है कि वो क्यों काम छोड़ना चाहता है, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। पर किमदान कुछ बोल ही नहीं रहा होता तो योनसियों कहती है कि तुमने रात को कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो पर तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते, आखिर तुमने ऐसा क्यों बोला था, बताओ मुझे। दरअसल जब रात को किमदान योनसियों से वो सभी बातें कह रहा था तो उसने वो सभी बातें सुन ली थी क्योंकि वो थोड़ा बहुत होश में ही थी। किमदान बताता है कि मैंने शराब पी थी इसलिए मैंने वो सब कहा होगा, उन सभी बातों का कोई मतलब नहीं बनता, तो वो सभी बातें भूल जाओ। तुम अब बिना किसी के सहारे चल सकती हो, यहाँ तक के डांस भी कर सकती हो, तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारे पास मिस जंग और मिस्टर कैंग हैं, तो इसीलिए अब मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। योनसियों नहीं चाहती कि किमदान उसको छोड़कर जाए, पर वो जाना चाहता है तो वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि किमदान ने मन बना लिया होता है कि वो नहीं रुकेगा। इसीलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो किमदान को वहाँ से जाने को कहती है। फिर किमदान अपना सारा सामान लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब योनसियों फिर से अकेली पड़ जाती है क्योंकि किमदान उसको छोड़कर चला गया जिसको वो पसंद करती थी, इसीलिए वो बहुत दुखी हो जाती है। जब मिस्टर कैंग को पता चलता है कि किमदान ने काम छोड़ दिया है, पर उसने आखिर काम क्यों छोड़ा उसे समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो किमदान को ढूंढते हुए चर्च पहुंच जाता है जहां पर उसे किमदान नहीं मिलता। लेकिन यहीं पर मिस्टर कैंग को किसी तरह पता चल जाता है कि हु कोई आम फादर नहीं है, उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और वो एंजल्स को गाइड करता है। लेकिन मिस्टर कैंग को ये सारी बातें पता चल गया पर वो शॉक नहीं हुआ, वो डरा नहीं, पर क्यों, ये बात हु को समझ नहीं आता इसीलिए वो परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं योनसियों को जो कि फैंटेसिया डांस प्रैक्टिस करने के लिए जाती है। वहीं पर मिस चोई और मिस्टर कैंग सभी डांसर्स को बताते हैं कि ऑडिशन में सभी डांसर्स ही एक दूसरे को जज करेंगे यानी के वोट देंगे, और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसी को लीड बैलरीन चुना जाएगा। इस डिसीजन से सभी डांसर्स काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किमदान को जो कि हॉस्पिटल जाकर उस ओल्ड लेडी की हेल्थ कंडीशन देखता है तो उसे पता चलता है कि वो काफी हद तक पहले से बेहतर हैं। वहीं पर किमदान को डॉक्टर से पता चलता है कि वो ओल्ड कपल एक ही साल से साथ में थे, जो जानकर वो काफी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वो दोनों बहुत सालों से साथ में हैं। किमदान के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होता तो वो चर्च जाकर गॉड से प्रे कर रहा होता है, तभी वहाँ पर हु आता है और वो किमदान से कहता है कि तुम कुछ दिन यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन किमदान वहाँ पर रहने से मना कर देता है क्योंकि वो हु से नाराज होता है क्योंकि उसने एक कपल को बर्बाद कर दिया। किमदान वहाँ पर नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं योनसियों को किमदान की बहुत याद आ रही होती है, उसके बिना उसे अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो किमदान को ढूंढने चर्च चली जाती है, जहाँ पर वो हु से मिलती है। पर हु से उसे पता चलता है कि किमदान वहाँ पर नहीं है तो वो काफी निराश हो जाती है और वहाँ से जा ही रही होती है तो चर्च के बाहर उसे मिस्टर कैंग मिल जाता है। मिस्टर कैंग योनसियों से कहता है कि चलो मैं तुम्हें किमदान को बुलाने में मदद करता हूँ, और वो
योन्सियो को एक बार में ले जाता है जहाँ पर योन्सियो कुछ ड्रिंक्स करती है। मिस्टर कैंग योन्सियो से कहता है कि किमदान वैसा इंसान नहीं है जैसा तुम सोचती हो सकता है कि वो एक फ्रॉड था या फिर कुछ और। मिस्टर कैंग किमदान की बुराई कर रहा होता है जो योन्सियो को अच्छा नहीं लगता, तो वो मिस्टर कैंग को बहुत बातें सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। योन्सियो उसी ट्री के पास जाती है जहाँ पर वो किमदान से पहली बार मिली थी, लेकिन वो वहाँ पर भी किमदान को नहीं देखती तो वो काफी दुखी हो जाती है और वहीं बेंच पर बैठकर रोने लगती है। किमदान वहीं पर होता है, वो उस ट्री के पीछे छुपा हुआ होता है। योन्सियो रो रही होती है जो उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो योन्सियो के सामने आ जाता है। फिर वो योन्सियो से कहता है कि ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आया, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो, वो भी मेरे जैसे मामूली आदमी के लिए तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, तो मुझ पे अपना टाइम बर्बाद मत करो और किसी ऐसे आदमी को ढूंढ लो जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहे। इन बातों को सुनकर योन्सियो को बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है। वो किमदान से कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी, मैं ऐसा मान लूंगी कि तुम कभी भी मेरे साथ थे ही नहीं। वो वहाँ से बहुत ही उदास और दुखी होकर चली जाती है। किमदान को भी बहुत बुरा लगा योन्सियो को ये सभी बातें कहकर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर हम देखते हैं किमदान हॉस्पिटल में उस ओल्ड लेडी का ख्याल रख रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसी लड़के को जिसने योन्सियो का डांस देखा था। वो योन्सियो के घर के बाहर उसके दीवार पर योन्सियो की ड्राइंग बनाता है जिसमें उसने कई दिल भी बनाए होते हैं। तभी वहाँ पर योन्सियो भी आ जाती है, तो वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। तभी किमदान की नींद खुल जाती है क्योंकि वो ये सब सपना देख रहा था। किमदान उठकर देखता है तो वो ओल्ड लेडी अपने बेड पे नहीं होती, तो किमदान काफी परेशान हो जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। फिर वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर हु ने उस ओल्ड मैन को मिटा दिया था, तो वहाँ पर उसे वो ओल्ड लेडी मिल जाती है। तो वो उनके पास जाता है और उन्हें हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, पर वो कुछ देर वहीं पर रुकना चाह रही होती है। वो किमदान को बताती है कि वो जानती है कि वो जिससे प्यार करती थी वो एक एंजल था और वो अब नहीं रहा। वो बताती है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है कि उन्होंने एक एंजल से प्यार किया। उन्होंने जितना भी टाइम साथ में बिताया था वो हजार सालों से भी ज्यादा अच्छा था। वो किमदान से कहती है कि जरूरी ये नहीं कि तुम जिससे प्यार करते हो जिंदगी भर उसके साथ रहो, जरूरी ये है कि तुम जितना टाइम उसके साथ रहे उतने में ही उसे इतना प्यार दो कि वो पूरी जिंदगी के बराबर हो। मैं दुखी हूँ, मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया है, पर हमने जो वक्त साथ में बिताया था वो बेहद ही हसीन और खूबसूरत थे। मेरा मानना है कि अगर हमारे पास एक ही दिन या फिर एक ही घंटे क्यों ना बचे हो, मगर हमें वो वक्त उनके साथ बिताना चाहिए जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। गॉड अगर किसी दो इंसान को मिलाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हमारे किस्मत में जो लिखा है हम उसे बदल नहीं सकते, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। हम किस्मत से भाग नहीं सकते और हमें भागना भी नहीं चाहिए। इन सभी बातों का किमदान पे काफी गहरा असर पड़ता है, उसे काफी हिम्मत मिलती है। फिर किमदान एक नोट लिखकर हु के पास चर्च में रख आता है जिसमें उसने लिखा होता है, मेरे सपने में एक लड़का बार बार आता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गॉड मुझे बताना चाहते हैं कि शायद उस लड़के के साथ मेरा कोई कनेक्शन जरूर है, इसीलिए मैं उसी लड़के के बारे में पता लगाने के सफर पे जा रहा हूँ। किमदान उस गांव में जाता है और उस गांव के उस हर जगह पर जाता है जो कि उसके सपने में दिखे थे। किमदान उस घर में भी जाता है जहाँ पर वो लड़का रहा करता था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। जब वो छोटा था तो वो अपने पिता के साथ उस घर में रहा करता था। उसके पिता हर रोज शराब पीकर उसको बहुत मारा करते थे। उसकी जिंदगी इतनी खराब थी कि वो सुसाइड भी करने गया था, पर योन्सियो ने उसको बचा लिया था। किमदान अपने पिता के डर से हर वक्त छिपता रहता था, इसीलिए उसने कभी भी रेनबो नहीं देखा था। लेकिन जब योन्सियो ने उसके लिए डांस किया था तभी रेनबो निकल आया था और उसने जिंदगी में पहली बार रेनबो देखा था। किमदान और योन्सियो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, पर जब योन्सियो डांस सीखने के लिए रशिया जा रही थी तो वो आखिरी बार किमदान से मिलने आई थी, पर किमदान उससे नहीं मिला था।
तो योनसियो किमदान से गुस्सा और नाराज होकर वहाँ से चली गई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योनसियो को किमदान की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है और वो किमदान के बारे में सोचते सोचते जब उसको नींद आ जाती है तो वो अपने सपने में उसी लड़के को देखती है जिसने उसका डांस देखा था। जब उसकी नींद खुलती है तो वो सोचती है कि आखिर वो लड़का मेरे सपने में क्यों आया जबकि मैं उसे भूल गई थी। उसे किमदान की याद सता रही होती है तो वो अपना मन बहलाने के लिए उसी गाँव में जाती है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी। इसी बहाने उसकी बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी और साथ ही वो उस लड़के से भी मिल पाएगी जो कि बचपन में उसका दोस्त था। वो उस गांव में जाकर उस गांव के कुछ बूढ़ी औरतों से उस लड़के के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि उस लड़के का पिता उसे बहुत ज्यादा मारा करता था, इसीलिए उसने समुद्र में कूद कर जान दे दी थी। ये जानकर कि वो लड़का अब नहीं रहा, वो मर चुका है, उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, वो बहुत दुखी हो जाती है। वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो बचपन में उस लड़के के साथ खेला करती थी। वो वहाँ पर जाकर काफी रो रही होती है, तभी वहाँ पर किमदान भी आ जाता है क्योंकि वो भी उसी गांव में था और उसने योनसियो को देख लिया था। योनसियो किमदान से कहती है कि जब मैं यहाँ से चली गई थी तो वो लड़का जो कि मेरा दोस्त था वो मर गया। जब भी वो मुझसे मिलने आता था तो उसके शरीर पे बहुत सारे घाव के निशान रहते थे, पर मैंने उससे उसके बारे में कभी पूछा ही नहीं और ना ही मैं खुद समझ पाई कि वो कितने दर्द में था। ये मेरी गलती है, वो मेरी वजह से मर गया, वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। तो किमदान उससे कहता है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी और फिर उसको गले लगाकर उसे चुप कराने लगता है। योनसियो जब शांत हो जाती है तो वो किमदान से कहती है कि मेरे मॉम, डैड, मिस्टर जो और अब ये लड़का सभी मुझे छोड़कर चले गए। मैं उन सभी को ठीक से गुड बाय भी नहीं कह पाई। मैं इस दुनिया में बहुत अकेली हूँ। अब मैं और ज्यादा अकेली नहीं रहना चाहती, इसीलिए तुम मेरे साथ रहो ना प्लीज। किमदान कहता है कि तुम्हें याद है मैंने तुमसे 3 विश मांगने की परमिशन ली थी, तो मेरा दूसरा विश ये है कि मुझे थोड़ा वक्त दो क्योंकि मुझे कुछ चीजें जाननी है। वो अपना रुमाल योनसियो को देता है और उससे कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब तक अच्छे से रहना, अच्छे से खाना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, यही मेरी विश है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर योनसियो अपने घर चली जाती है और वो वैसा ही करती है जैसा किमदान ने कहा था। वो अच्छे से रहती है, अच्छे से खाती है और अच्छे से डांस प्रैक्टिस भी करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और किमदान वापस नहीं आता, जिससे योनसियो परेशान हो जाती है कि वो वापस आएगा कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं किमदान को, उसने पता लगा लिया होता है कि उसके पिता अभी जिंदा है पर वो बहुत ही बीमार है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो किमदान उनसे मिलने जाता है और उनसे कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, मैं तो आपका ही बेटा था ना और मैं तो सिर्फ 12 साल का था, तो आपने मुझे इतना दर्द क्यों दिया था, जवाब दीजिए मुझे। यहाँ पर किमदान के पिता उससे माफी मांगता है जो कुछ भी उसने किमदान के साथ किया था उसके लिए, पर किमदान ये नहीं सुनना चाहता था क्योंकि उसके पिता ने जो कुछ भी उसके साथ किया था वो उसके लिए अपने पिता को कभी भी माफ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। किमदान के वहाँ से जाने के बाद उसके पिता की मौत हो जाती है। फिर किमदान हू से मिलता है और उससे पूछता है कि गॉड ने आखिर मुझे एक एंजल की तरह क्यों बड़ा किया और उसने मुझे सब कुछ याद क्यों दिलाया। जिस पे हू कहता है कि गॉड जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। फिर किमदान कहता है कि इसके पीछे जो भी वजह हो मैं खुद ही पता लगा लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो वो एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है, तभी वहाँ पर मिस्टर कैंग आ जाता है और वो किमदान से कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक एंजल हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा मिशन क्या है और तुम योनसियो के पास क्यों आए हो। लेकिन किमदान कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो शॉक में होता है कि आखिर मिस्टर कैंग है कौन और वो उसकी सच्चाई कैसे जानता है। फिर मिस्टर कैंग कहता है कि मैं हमेशा योनसियो के साथ रहूंगा, उसे प्यार दूंगा, उसे खुश रखूंगा, बस तुम उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर अगले दिन हू और किमदान मिल के मिस्टर कैंग के घर जाते हैं ताकि वो पता लगा सके कि मिस्टर कैंग है कौन, क्योंकि उन दोनों को शक होता है कि मिस्टर कैंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। मिस्टर कैंग के घर में किमदान को योनसियो और उसके फैमिली मेंबर्स की फोटोज उसके दीवार पे चिपके हुए मिलते हैं, जो देखकर वो काफी शॉक्ड रह जाता है। फिर किमदान मिस्टर कैंग का लैपटॉप चेक करता है तो उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे मिस्टर कैंग की गर्लफ्रेंड की फोटो लगी होती है, पर वो पूरी तरह से योनसियो की तरह दिखती थी, जिससे किमदान काफी शॉक्ड रह जाता है। पर उसे यकीन होता है
कि ये योनसियो नहीं है। थोड़ी देर बाद मिस्टर कैंग वहाँ पर आ जाता है, पर किमदन वहाँ से नहीं भागता, वो वहीं पर रुकता है और वो मिस्टर कैंग से इन सभी चीजों के बारे में पूछता है, पर मिस्टर कैंग उसे कुछ भी नहीं बताता। तो किमदन कहता है कि मैं योनसियो को छोड़कर नहीं जाने वाला, मैं उसके साथ ही रहूंगा, चाहे गॉड मुझे उसके लिए मिठाई क्यों ना दे। फिर मिस्टर कैंग कहता है कि तुम लकी रहोगे अगर गॉड ने तुम्हें मिटा दिया। तुम सोच भी नहीं सकते कि इसकी सजा क्या हो सकती है, कुछ बहुत ही भयानक होगा, सोच लो। फिर हम देखते हैं योनसियो को जो कि अपने गार्डन में बैठकर सोच रही होती है कि किमदन वापस आएगा कि नहीं। तभी वहां पर किमदन आ जाता है तो वो काफी खुश हो जाती है और वो पूछती है कि तुम जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हो गया क्या, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना, मेरे साथ ही रहोगे ना, बोलो। फिर किमदन योनसियो के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर वो योनसियो को किस करता है। फिर अगले दिन से वो दोनों एक कपल की तरह रहने लगते हैं। योनसियो काफी खुश होती है कि किमदन अब उसको छोड़कर नहीं जाएगा, उसके साथ ही रहेगा। किमदन योनसियो को फैंटेसिया छोड़ने जाता है ताकि योनसियो डांस प्रैक्टिस कर सके। किमदन ने डिसाइड किया होता है कि वो योनसियो के साथ ही रहेगा तो वो योनसियो को सब कुछ सच बता देगा कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंजल है। लेकिन किमदन योनसियो को ऑडिशन के बाद बताने वाला होता है, क्योंकि अगर उसने पहले बता दिया तो हो सकता है कि वो ऑडिशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाए और अच्छा परफॉर्म ना करे। इसीलिए वो घर जाकर सोच रहा होता है कि वो योनसियो को कैसे बताए जिससे उसको शॉक ना लगे। योनसियो जब शाम को घर वापस आती है तो वो किमदन से बात करती है और उससे पूछती है कि वो उससे क्या छुपा रहा है। वो किमदन से कहती है कि तुम्हें कोई बीमारी है या फिर तुम्हारी शादी हो चुकी है जिससे तुम मुझसे दूर भाग रहे थे। किमदन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर योनसियो कहती है तो फिर आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रहे थे, तुम कहाँ गए थे और तुम्हें कौन सा काम करना था। किमदन कहता है मैं सब कुछ बताऊंगा पर ऑडिशन के बाद, लेकिन तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। फिर अगले दिन ऑडिशन होता है जिसमें ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया होता, बस कुछ ही लोग होते हैं। सभी लोग एक एक करके परफॉर्म करने लगते हैं और नीना भी परफॉर्म करती है। नीना का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जब योनसियो परफॉर्म करती है तो वो नीना से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करती है जिससे योनसियो को ज्यादा वोट मिलता है और वो जीत जाती है। अब योनसियो ही लीड बैलरीन रहेगी, उसे कोई हटा नहीं सकता। योनसियो के जीतने पर किमदन और मिस्टर कैंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन नीना बहुत दुखी हो जाती है कि वो योनसियो को हरा नहीं पाई, इसीलिए वो वॉशरूम में आकर रो रही होती है और कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि योनसियो मर जाए, और उसकी ये बात रूना सुन लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किमदन और योनसियो को। किमदन बहुत खुश होता है कि योनसियो जीत गई। अब ऑडिशन खत्म हो चुका होता है और योनसियो जीत भी गई होती है तो वो किमदन से कहती है कि अब तो मुझे वो सब कुछ बता दो जो कि तुम मुझे बताने वाले थे। फिर किमदन कहता है कि हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर हम पहली बार मिले थे और वहीं पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। फिर किमदन योनसियो को उस जगह पर लेकर जाने लगता है जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे, लेकिन तभी बादल गरजने लगते हैं तो किमदन को लगता है कि बारिश होने वाली है, इसीलिए वो योनसियो को रोड साइड में रुकने के लिए कहता है और फिर वो छाता लेने चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो योनसियो वहाँ पर होती ही नहीं, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर योनसियो गई कहाँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर कैंग को, जिसको योनसियो का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है मिस्टर कैंग आई एम सॉरी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही, मैं शायद और ज्यादा डांस नहीं कर सकती, इसीलिए मैं इन सभी चीजों से बहुत दूर जा रही हूँ जहाँ से लौटना नामुमकिन है। ये मैसेज देखकर मिस्टर कैंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं योनसियो को, उसकी आंखें काले कपड़े से ढका हुआ होता है और उसके हाथ एक मोटे रॉड से बंधा होता है। वो एक बिल्डिंग के छत पे होती है जहाँ पर एक आदमी भी होता है जिसने योनसियो को किडनैप किया होता है। वो आदमी रूना को फोन लगाता है क्योंकि रूना ने ही योनसियो को किडनैप करने के लिए कहा होता है, और यहीं पर हमें पता चलता है कि रूना ने ही झूमर गिराए थे जब योनसियो डांस कर रही थी और उसकी आंखें चली गई थी। क्योंकि योनसियो की वजह से नीना आगे बढ़ नहीं पा रही थी, इसीलिए रूना ने ये सब किया था, और वो कर रही होती है क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे रोते नहीं देख सकती। रूना उस आदमी को योनसियो को मार देने के लिए कहती है, और यहीं पर हमें पता चलता है कि उस आदमी ने ही मिस्टर कैंग को मैसेज पढ़ाया था योनसियो के फोन से, क्योंकि रूना ने उसको ऐसा करने के लिए
कहा था। उस आदमी ने मिस्टर कैंग को वहाँ का एड्रेस भी पठा दिया होता है, इसी वजह से मिस्टर कैंग वहाँ पर पहुँच जाता है और वो योनसियो को बिल्डिंग पे देख लेता है तो वो उसके पास जाने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी योनसियो को ऊपर से धक्का दे देता है। योनसियो नीचे गिर रही होती है, तभी वहाँ पर किमदान आ जाता है अपने विंग्स के साथ उड़ते हुए और वो योनसियो को बचा लेता है। किमदान के विंग्स इसलिए आ गए थे क्योंकि तभी बारिश हो रही होती है। किमदान वहाँ पर इसलिए पहुँच पाया क्योंकि मिस्टर कैंग ने योनसियो का मैसेज किमदान को भी सेंड कर दिया था। अब किमदान ने योनसियो को मरने से बचा लिया होता है, पर काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से और उसने किमदान को विंग्स के साथ उड़ते हुए भी देखा होता है, जिसकी वजह से उसे काफी बड़ा सदमा लगता है तो वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर कैंग भी देख लेता है कि किमदान ने योनसियो को बचा लिया है तो वो भी रिलैक्स फील करता है। लेकिन जब वो किलर नीचे आता है तो वो योनसियो को नीचे मरा हुआ नहीं देखता, जिससे वो काफी शॉक्ड रह जाता है और वो यही बात रूना को भी बताता है कि उसने योनसियो को ऊपर से धक्का दे दिया था पर नीचे उसकी लाश नहीं थी। ये सुनकर रूना भी काफी परेशान हो जाती है कि आखिर योनसियो की लाश गई तो गई कहाँ। किमदान योनसियो को घर वापस ले आता है और उसे सुला देता है और खुद भी उसके पास ही सो जाता है। मिस्टर कैंग को शक होता है कि योनसियो को उसके अंकल, आंटी और कजन ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अगर योनसियो को कुछ हो गया, अगर वो मर गई तो उनको ही ज्यादा फायदा है। इसीलिए वो रूना से मिलने जाता है और उसे वो मैसेज दिखाता है, पर उस मैसेज को देख कर रूना के बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं आते, जिससे मिस्टर कैंग समझ जाता है कि ये काम उसने ही करवाया है। तो वो रूना को धमकी देता है कि अगर उसने फिर से ऐसी हरकत की तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। फिर अगली सुबह योनसियो होश में आती है तो उसे कल का हादसा याद ही नहीं होता, क्योंकि कल उसको इतना बड़ा सदमा लगा था जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल गई। किमदान भी ये जानकर काफी शॉक्ड रह जाता है कि योनसियो को कुछ भी नहीं याद, तो किमदान भी उसको सच नहीं बताता क्योंकि वो योनसियो को परेशान नहीं करना चाहता। मिस जंग योनसियो के घर का सिक्योरिटी बढ़ा देती है और किमदान भी इस बात से सहमत होता है। लेकिन योनसियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद योनसियो डांस प्रैक्टिस के लिए फैंटेसिया जा रही होती है, पर किमदान उसको जाने से रोकता है क्योंकि किमदान सोचता है कि जो कुछ भी योनसियो के साथ हुआ उससे उभरने के लिए योनसियो को रेस्ट करना चाहिए, पर योनसियो मान ही नहीं रही होती। तभी मिस्टर कैंग किमदान को फोन करके योनसियो का हालचाल पूछता है, तो योनसियो किमदान का फोन लेकर मिस्टर कैंग से बात करने लगती है। लेकिन मिस्टर कैंग कहता है कि कल जो हुआ उससे तुम्हें काफी सदमा लगा होगा, इसीलिए तुम आज रेस्ट करो। योनसियो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर कल हुआ क्या था। योनसियो का फोन नहीं मिल रहा होता तो वो किमदान से कहती है कि मेरा फोन शायद कल पार्क में ही गिर गया जहाँ पर हम गए थे, तो चलो मुझे अपना फोन ढूंढना है। लेकिन किमदान कहता है कि फोन मैं ढूंढ कर ला दूंगा, तुम बस आराम करो। फिर किमदान उसी बिल्डिंग के पास जाता है जहाँ से योनसियो गिरी थी। वही बिल्डिंग के साइड में कुछ झाड़ियाँ होती है, उसी में किमदान को योनसियो का फोन मिल जाता है। फिर किमदान घर आ जाता है और वो अंदर जाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर हु आ जाता है और वो किमदान को अपनी पावर से गायब करके चर्च ले आता है। यही हमें पता चलता है कि हु ने ही अपनी पावर से योनसियो की कल की यादें मिटा दी थी, क्योंकि योनसियो ने किमदान के विंग्स देख लिए थे और हु नहीं चाहता कि योनसियो को किमदान की सच्चाई पता चले, इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन किमदान इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि वो खुद योनसियो को अपनी सच्चाई बताने वाला था और वो चाहता था कि योनसियो को सब कुछ याद रहे, इसीलिए वो हु से काफी गुस्सा होता है और उसे काफी सारी बातें सुनाता है। किमदान और हु के बीच में काफी बहस होती है। हु चाहता है कि किमदान योनसियो को अपनी सच्चाई नहीं बताए, पर किमदान ऐसा नहीं चाहता। फिर अगले दिन योनसियो प्रैक्टिस करने के लिए आती है तो रूना उसको देखकर शॉक्ड रह जाती है कि बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद भी योनसियो जिंदा कैसे है। फिर रूना उसी आदमी को फोन करके पूछती है कि योनसियो जिंदा कैसे है, पर उसे भी कुछ पता नहीं होता। रूना की बातें उसकी माँ भी सुन लेती है और उसे पता चलता है कि रूना योनसियो को मारना चाहती है। वो काफी शॉक्ड रह जाती है, वो बहुत डर जाती है कि उसकी बेटी इतनी खतरनाक है कि वो लोगों की जान भी ले सकती है। फिर किमदान को पता चलता है कि योनसियो प्रैक्टिस करने चली गई तो वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि योनसियो किमदान को बिना बताए चली गई। उसकी जान को अभी भी खतरा है तो वो काफी डर जाता है, तो वो जल्दी से फैंटेसिया पहुँचता है और वहाँ पर योनसियो से मिलता है
है और उसे वापस घर चलने के लिए कहता है, लेकिन योन्सियो जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो प्रैक्टिस करके ही जाऊंगी। योन्सियो जिद पे अड़ गई होती है तो किमदान को भी मारना पड़ता है, पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा और हम दोनों साथ में घर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नीना एज अ लीड बैलरीन ही परफॉर्म करना चाह रही होती है, उसे एज अ सपोर्टिंग डांसर परफॉर्म करना बिल्कुल ही मंजूर नहीं होता, इसीलिए वो मिस्टर कैंग से कहती है कि अगर वो परफॉर्म करेगी तो एज अ लीड बैलरीन, नहीं तो वो परफॉर्म ही नहीं करेगी, जिससे मिस्टर कैंग की परेशानी बढ़ जाती है। वो नीना को हटा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही अच्छी डांसर है। किमदान फैंटेशिया में घूम रहा होता है, तभी वो रूना को एक आदमी के साथ योन्सियो के साथ हुए एक्सीडेंट को लेकर बात करते हुए सुनता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि रूना ही योन्सियो को मरवाना चाहती है। इसीलिए जब रूना फैंटेशिया से जा रही होती है तो किमदान उसके पास जाकर उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम योन्सियो को मारना चाहती हो, तो एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर योन्सियो को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। एक तरह से किमदान रूना को धमकी ही देता है। रूना काफी परेशान हो जाती है कि आखिर ये बात किमदान को कैसे पता चली। थोड़ी देर बाद योन्सियो का प्रैक्टिस सेशन भी खत्म हो जाता है तो वो किमदान के साथ घर चली आती है। योन्सियो को सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा होता है कि अचानक उसके घर का सिक्योरिटी बढ़ जाना, किमदान, मिस जंग और मिस्टर कैंग की उसकी अचानक बहुत ज्यादा फिक्र करना, ये सभी बातें उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। उसे लग रहा होता है कि किमदान और सभी लोग उससे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, इसीलिए जब किमदान अपने कमरे में नहीं होता तो वो उसके कमरे में जाकर चेक करती है तो उसको अपना फोन मिल जाता है, जो देखकर वो काफी हैरान रह जाती है क्योंकि किमदान ने योन्सियो से कहा था कि उसका फोन नहीं मिला। किमदान ने योन्सियो से झूठ कहा, इस बात का उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो किमदान से नाराज हो जाती है। फिर वो मिस्टर कैंग से मिलने जाती है और उसे वो मैसेज दिखाती है जो कि उसके फोन से मिस्टर कैंग को पठाया गया था। वो कहती है कि ये मैसेज मैंने तुम्हें नहीं पठाया था, तो बताओ इसका क्या मतलब बनता है और कल क्या हुआ वो भी मुझे याद नहीं, तो बताओ मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन मिस्टर कैंग उसको कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो योन्सियो को सब कुछ याद दिलाकर परेशान करना नहीं चाहता। उसके बाद योन्सियो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो कल किमदान के साथ आई थी। वो वहाँ पर कुछ लोगों से पूछती है कि यहाँ पर कल क्या हुआ था, तो एक औरत बताती है कि कल एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था जो कि खो गई थी। योन्सियो किमदान का फोटो उस औरत को दिखाती है तो वो औरत कंफर्म कर देती है कि हाँ ये वही लड़का है। फिर योन्सियो अपने दिमाग पे जोर डालकर याद करने की कोशिश करती है कि उसके साथ कल क्या हुआ था और उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर वो किमदान को फोन करके वहाँ पर बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम एक एंजल हो। ये सुनकर किमदान हैरान रह जाता है, उसे पता चल जाता है कि योन्सियो को सब कुछ याद आ गया है, इसीलिए वो भी योन्सियो को सच बता ही देता है कि वो एक एंजल है। जो सुनकर योन्सियो वहाँ से जाने लगती है तो किमदान उसको रोकता है और उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें उस दिन बताने ही वाला था पर तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था और मुझे भी डर था कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो शायद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। लेकिन योन्सियो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होती ये जानकर कि किमदान इंसान नहीं बल्कि एक एंजल है। वो किमदान पे काफी गुस्सा करती है कि उसने उसको सच नहीं बताया। उसे बहुत बुरा लगता है कि किमदान को उसके ऊपर विश्वास नहीं है। योन्सियो किमदान से कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई एंजल हो या कुछ और, पर तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। वो किमदान से गुस्सा और नाराज होकर घर चली जाती है। यहाँ पर किमदान शॉक में होता है क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो योन्सियो को सच बता देगा तो शायद योन्सियो उसको छोड़ देगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। सच ना बताने के कारण योन्सियो किमदान से नाराज हो गई। योन्सियो ऐसा दिखा रही होती है कि सच जानने के बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर ऐसा नहीं होता। वो शॉक में होती है ये जानकर कि किमदान एक एंजल है। वो किमदान से बात नहीं कर रही होती तो किमदान उसके पास आकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो योन्सियो से अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है और उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो योन्सियो को छोड़कर नहीं जाएगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। योन्सियो किमदान से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें ऊपर से भेजा गया है, तो तुम्हारा कोई तो मिशन होगा, क्या तुम्हारा मिशन मेरे साथ रहकर मुझे प्रोटेक्ट करना है।
लेकिन किमदान योनसियो को सच नहीं बताता और उसे कहता है कि हाँ यही मेरा मिशन है। फिर योनसियो किमदान को लेकर चर्च जाती है जहाँ पर वो हु से मिलती है और वहीं पर उसे पता चलता है कि हु कोई फादर नहीं बल्कि वो भी एक एंजल है, लेकिन वो एक सीनियर एंजल है और वहीं किमदान को गाइड करता है। यहाँ पर योनसियो हु से पूछती है कि किमदान का मिशन क्या है, वो मेरे पास क्यों आया था, और हु उसको सच बता देता है जिससे योनसियो किमदान से और ज्यादा नाराज होकर चर्च से चली जाती है। योनसियो किमदान से बात करना नहीं चाह रही होती पर किमदान जैसे तैसे योनसियो को मना ही लेता है। फिर अगले दिन योनसियो एक आदमी से मिलने जाती है जो कि मिस चोई के लिए काम करता है। उस आदमी से योनसियो को पता चलता है कि मिस चोई ही थी जो कि योनसियो का कॉर्निया डोनर कैंसिल करवाती थी, और उसे ये भी पता चलता है कि मिस चोई ने डांसर्स की वोट को भी खरीदा था ताकि वो अपनी बेटी नीना को ऑडिशन में जिता सके। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि रूना ने उसको किडनैप करवाया था और उसी ने वो एक्सीडेंट करवाया था जिसमें मिस्टर जो की जान चली गई थी। ये सभी बातें जानकर योनसियो टूट जाती है कि उसकी फैमिली ही उसकी दुश्मन है और उसकी फैमिली की ही वजह से मिस्टर जो की जान चली गई। योनसियो काफी दुखी होती है तो किमदान उसको घुमाने ले जाता है ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो सके। किमदान उसको एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो योनसियो को बताता है कि वो वही लड़का है जो कि बचपन में उसका दोस्त था। ये जानकर योनसियो रो पड़ती है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि किमदान वही लड़का है। किमदान उसको बताता है कि कैसे गॉड ने उसको एंजल बनाकर बड़ा किया। योनसियो काफी खुश हो जाती है ये जानकर कि उसका बचपन का दोस्त ही उसका प्यार है। जब वो दोनों चलते चलते घर जा रहे होते हैं तो किमदान से योनसियो पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, तुमने ऐसा क्यों कहा था? अगर तुमने किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या तुम्हें स्वर्ग वापस बुला लिया जाएगा? जिस पे किमदान कहता है कि मैं उस पे काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर शाम को किमदान मिस्टर कैंग से मिलने जाता है क्योंकि मिस्टर कैंग को एंजल के बारे में बहुत कुछ पता है, तो किमदान समझ गया होता है कि मिस्टर कैंग कभी एंजल हुआ करता था पर अब वो एक इंसान बन चुका है। तो वो मिस्टर कैंग से पूछता है कि वो एक एंजल से इंसान कैसे बना। मिस्टर कैंग बता ही नहीं रहा होता पर किमदान के ज्यादा फोर्स करने पर मिस्टर कैंग बता ही देता है कि अगर किमदान को इंसान बनना है तो उसके लिए योनसियो को मरना होगा, क्योंकि एक एंजल तभी इंसान बन सकता है जब उस इंसान की जान चली जाए जिससे वो एंजल बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये जानकर किमदान शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो योनसियो के साथ ही रहने के लिए इंसान बनना चाहता है पर अगर उसे इंसान बनना है तो योनसियो को मरना होगा। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं योनसियो के साथ रह सकता हूँ। फिर अगले दिन योनसियो के पास वो सारे सबूत आ जाते हैं जिससे वो अपने अंकल आंटी और कजन के खिलाफ एक्शन ले सकती है। योनसियो वो सारे सबूत लेकर मिस्चोई के घर चली जाती है और वो सारे सबूत अपने अंकल नीना और मिस्चोई को दिखाती है, जो देखकर वो सभी शॉक्ड रह जाते हैं। मिस्चोई ने जो कुछ भी किया वो सभी जानकर नीना और उसके डैड काफी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। योनसियो रूना के बारे में नहीं बताती क्योंकि उसके पास रूना के खिलाफ सबूत नहीं थे। योनसियो अपने अंकल आंटी और रूना को अपने पोस्ट से रिजाइन करने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। फिर शाम को मिस्टर कैंग योनसियो को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि किमदान एक एंजल है, उसने तुम्हें कहा होगा कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा पर वो नहीं रह सकता क्योंकि एंजल किसी से प्यार नहीं कर सकता, अगर उसने किया तो गॉड के हिसाब से वो पाप है, इसीलिए गॉड उसे मिटा देंगे, उसे गायब कर देंगे, किसी धुएं की तरह वो हवा में उड़ जाएगा, किमदान भी गायब हो जाएगा तुम्हारे प्यार की वजह से। ये सारी बातें जानकर योनसियो शॉक्ड रह जाती है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि किमदान उसके प्यार की वजह से गायब हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा रोती है कि किमदान उसके साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। फिर हम देखते हैं किमदान को वो गार्डन में बैठकर गॉड के लिए एक रिपोर्ट लिख रहा होता है, उसमें उसने लिखा होता है कि मुझे योनसियो के साथ रहना है तो मुझे एक इंसान बनना है। तभी योनसियो घर वापस आ जाती है तो वो किमदान के पास जाती है और उसे कस के गले लगा लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि किमदान उसको छोड़कर जाए, वो ये चाहती है कि किमदान हमेशा उसके साथ रहे। तभी वो नोट जो कि किमदान ने लिखा था वो धूल की तरह हवा में मिल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नीना को, वो घर छोड़कर जा रही होती है क्योंकि उसकी मॉम ने जो कुछ भी किया योनसियो के साथ वो उसके लिए अपनी मॉम को माफ नहीं कर सकती। उसे लगता है कि उसकी माँ ने गलत किया है तो वो अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो घर छोड़कर जा रही होती है।
और बाहर उसे रूना मिलती है तो वो रूना से कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तुम इसमें शामिल नहीं हो। लेकिन रूना ऐसा नहीं कहती तो नीना समझ जाती है कि इसमें रूना भी शामिल है, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन योनसियो फैंटेसिया आकर सभी बोर्ड मेंबर्स को बताती है कि उसके अंकल आंटी और रूना सभी अपने पोस्ट से रिजाइन देने वाले हैं। सभी बोर्ड मेंबर्स को कुछ भी समझ नहीं आता, तभी उन सभी बोर्ड मेंबर्स के फोन पे एक मैसेज आता है कि योनसियो के अंकल ने प्रेस के सामने ये कबूल कर लिया है कि योनसियो का कॉर्निया डोनेशन वो कैंसिल करवाते थे और उनकी वजह से मिस्टर जो की जान चली गई। योनसियो के अंकल ने मिस चोई का इल्जाम अपने सर ले लिया होता है ताकि उनकी फैमिली के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम न आए। फिर पुलिस उनको कुछ पूछताछ करने के लिए पकड़ कर ले जाती है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो योनसियो बाहर आती है तो रूना उसका बाहर इंतजार कर रही होती है क्योंकि उसे योनसियो से कुछ बात करनी होती है। तो योनसियो उसके साथ साइड में चली जाती है उससे बात करने के लिए, जहाँ पर रूना योनसियो से माफी मांगती है और कहती है कि वो सभी चीजें उसने किए थे, उसकी फैमिली ने कुछ नहीं किया, उन्हें जाने दो। लेकिन रूना माफी मांगने का नाटक कर रही होती है जो कि योनसियो समझ जाती है। तो वो रूना से कहती है कि नाटक करना बंद करो, मैं तुम सबको कभी भी माफ नहीं कर सकती क्योंकि तुम सभी ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। मुझे पता है कि इन सभी चीजों के पीछे तुम थी, पर ज्यादा दिन तुम बच नहीं पाओगी। रूना कहती है कि अब तुम्हें पता चल ही गया है तो बचकर रहना, क्या पता कब क्या हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं योनसियो और किमदान को। योनसियो को पता चल गया था कि किमदान उसके साथ हमेशा नहीं रह सकता, इसीलिए वो किमदान के साथ एक स्टूडियो में जाती है जहां पर वो किमदान के साथ बहुत सारे पिक्चर्स लेती है। लेकिन तभी योनसियो को रोना आ जाता है और वो किमदान से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम गायब मत होना। फिर किमदान कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, वो योनसियो को चुप कराने लगता है। फिर वो मिस्टर कैंग के पास जाता है और उसको बहुत सारी बातें सुनाता है क्योंकि उसे पता था कि योनसियो को ऐसी बातें सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है और वो है मिस्टर कैंग। मिस्टर कैंग कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बताया, जो सच है मैंने वही कहा। फिर किमदान कहता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा ताकि मैं योनसियो के साथ रह सकूं। फिर किमदान घर जाकर गॉड को एक रिपोर्ट लिखता है कि मुझे जवाब दीजिए, मैं एक इंसान बनना चाहता हूं, लेकिन वो रिपोर्ट गायब हो जाता है पहले की तरह। लेकिन वो फिर से लिखता है, बार बार लिखता है, पर हर बार रिपोर्ट गायब हो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो योनसियो किमदान को फोन करके कहती है कि हम आधे घंटे में डेट पे जा रहे हैं तो जल्दी से तैयार होकर मेरे पास आओ। फिर किमदान फटाफट तैयार होकर योनसियो के साथ डेट पे चला जाता है, उसी जगह पर जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे। वो दोनों पूरा दिन इंजॉय करते हैं। जब वो दोनों घर वापस आ रहे होते हैं तो योनसियो किमदान से कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन किमदान शादी के लिए राजी नहीं होता क्योंकि वो ज्यादा दिन योनसियो के साथ नहीं रह सकता, तो वो मना कर देता है। तभी एक बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला होता है तो किमदान उसको बचा लेता है, पर कार से उसको टक्कर लग जाती है जिससे उसको चोट लग जाती है और उसका खून बहने लगता है। किमदान बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके घाव पे पट्टी लगी होती है। योनसियो उसको बताती है कि उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ये सुनकर किमदान शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो एक एंजल है और उसका घाव तुरंत ही ठीक हो जाता था, पर इस बार नहीं हुआ तो वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर योनसियो बताती है कि जब जब बारिश होती है तो तुम्हारे विंग्स निकल आते हैं, तो जब बारिश होगी तो हम टेस्ट कर लेंगे कि तुम्हारे विंग्स आते हैं कि नहीं, अगर नहीं आए तो मतलब कि तुम एक इंसान बन चुके हो। लेकिन बारिश ऐसे ही थोड़ी ना आता है, जब उसका मन होता है तभी वो आता है। बारिश को आने में कई दिन लग जाते हैं। किमदान बारिश में भीगता है और टेस्ट करता है कि उसके विंग्स आते हैं कि नहीं, और उसके विंग्स नहीं आते, जिससे किमदान और योनसियो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि किमदान अब एक इंसान बन चुका है। किमदान गॉड को थैंक यू कहता है कि उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे इंसान बना दिया। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो एक दूसरे को किस करते हैं और फिर जाकर एक ही कमरे में दोनों सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह किमदान सोकर उठता है तो वो योनसियो को टच ही नहीं कर पा रहा होता, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो वो हु के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। तो हु उसको बताता है कि गॉड तुम्हें वार्न कर रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है,
किमदान को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर गॉड ने उसका बहुत गंदा वाला काटा जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं योनसियो को। दरअसल जब रात को किमदान सो रहा था तो किमदान को योनसियो टच करना चाहती थी, पर वो नहीं कर पाई क्योंकि किमदान एक इंसान नहीं बना है, इसीलिए वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद योनसियो फैंटेसिया आकर परफॉर्मेंस रिहर्सल करती है और उसके बाद जब वो बाहर आती है तो किमदान उसके लिए फ्लावर लेकर वहाँ पर आया होता है। किमदान योनसियो को प्रपोज करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो योनसियो हाँ कर देती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी और उसने किमदान से पूछा भी था पर उसने मना कर दिया था। किमदान ये इसलिए करता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं होता, तो वो चाहता है कि वो अपना सारा टाइम योनसियो के साथ बिताए और उसे खुश रखे। योनसियो का भी मन था शादी करने का, तो किमदान बस योनसियो को खुश देखना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा किया। फिर जब वो लोग घर आ चुके होते हैं तो योनसियो किमदान से पूछती है कि इतनी जल्दी उसका माइंड कैसे चेंज हो गया, मतलब कि उसने तो पहले मना कर दिया था पर बाद में उसने खुद ही सामने से पूछा, ये कुछ योनसियो को समझ नहीं आया। लेकिन किमदान इसका लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन तो नहीं देता, बस वो योनसियो को इतना बता देता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे हमेशा खुश देखना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा किया। काफी रात हो चुकी होती है तो वो दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन किमदान अपने कमरे में बहुत ज्यादा ही परेशान बैठा होता है क्योंकि जब वो हु से मिला था तो हु ने उसको बताया था कि योनसियो के किस्मत में मौत लिखी है, वो मरने ही वाली थी पर तुमने उसे बचा लिया था, लेकिन वो ज्यादा दिन बच नहीं पाएगी, उसे मरना ही होगा, यही उसकी किस्मत है। लेकिन किमदान ने हु से कहा था कि वो योनसियो की किस्मत को बदल कर रहेगा, उसे कुछ भी नहीं होने देगा। किमदान बहुत गहरी सोच में डूबा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो योनसियो के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो इंसान नहीं बन सकता और ना ही कभी वो बन पाएगा, इसका कोई भी रास्ता नहीं है। ये जानकर योनसियो को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी ये बात जानती थी। वो किमदान से कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एंजल हो या इंसान, बस हम जितना टाइम साथ रह सकते हैं उनको हम खुलकर जिएंगे। फिर अगले दिन वो दोनों मिस जंग को बता देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। योनसियो मिस जंग को इसलिए बताती है क्योंकि वो उनको अपना फैमिली मानती है। ये जानकर मिस जंग को शॉक लगता है, पर वो खुश होती है कि योनसियो आजकल किमदान के साथ काफी खुश रहती है, तो वो भी उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। फिर वो दोनों शॉपिंग मॉल जाते हैं और अपनी शादी के लिए बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूना को, जो कि अपने ऑफिस का सारा सामान पैक कर रही होती है क्योंकि योनसियो ने उसको फैंटेसिया से निकाल दिया होता है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और वहाँ पर आ जाता है किमदान। हु ने किमदान से कहा था कि योनसियो के किस्मत में मौत लिखी है और किमदान ये बात बखूबी जानता है कि योनसियो को रूना मारना चाहती है, इसीलिए वो रूना को धमकी देता है कि अगर उसने योनसियो को चोट पहुँचाई तो वो उसे मार देगा। किमदान ऐसा इसलिए करता है ताकि वो योनसियो की जान बचा सके। फिर अगले दिन योनसियो फैंटेसिया आकर मिस्टर कैंग से मिलती है और उसको अपना वेडिंग इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है कि मैं और किमदान शादी करने वाले हैं, जो सुनकर मिस्टर कैंग शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे पता है कि किमदान योनसियो के साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकता, इसीलिए वो योनसियो को ऐसा करने से मना करता है। पर योनसियो भी ये बात जानती है कि किमदान हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता, लेकिन उसने शादी करने का डिसाइड कर लिया होता है तो उसके फैसले को कोई बदल नहीं सकता। फिर वो हु के पास जाती है और उससे पूछती है कि किमदान को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर हु कहता है कि कोई रास्ता नहीं है, उसे मिटने से कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं चाहता कि उसे कुछ हो, पर उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, यही उसकी किस्मत है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नीना के डैड को बेल मिल जाता है तो वो जेल से बाहर आ जाते हैं। फिर वो घर आते हैं तो वहाँ पर नीना आई होती है। वो अपने मॉम डैड और रूना से कहती है कि आज तक मैं आप सभी के सहारे अपनी जिंदगी जी रही थी, पर अब से मैं अपनी जिंदगी खुद के दम पे जीऊंगी, मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं वो सब कुछ खुद ही कर लूंगी और मैं ना ही कभी घर वापस लौट के आऊंगी, इतना कहकर वो चली जाती है। रूना नीना के इस डिसीजन से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने ये सब अपनी बहन के लिए ही किया था, पर उसकी बहन ही उसके साथ रहना नहीं चाहती। फिर रूना एक आदमी से जाकर मिलती है और उसे काफी सारे पैसे देती है। किमदान भी रूना को ये करते हुए देख लेता है क्योंकि वो रूना का पीछा कर रहा था। रूना को ऐसा करते देख किमदान समझ जाता है कि रूना कोई प्लानिंग कर रही है योनसियो को मार
मारने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां पर हम देखते हैं कि योनसियो के घर पे जोरों शोरों से तैयारी चल रही होती है, क्योंकि आज योनसियो और किमदान की शादी होती है। उनके शादी में वहां पर कोई भी नहीं आया होता, क्योंकि उन दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बस वहां पर मिस जंग ही होती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों काफी ज्यादा ही खुश होते हैं और साथ ही मिस जंग भी उनकी शादी से बहुत ज्यादा ही खुश होती हैं। फिर अगले दिन किमदान रूना को फोन करके एक जगह पर बुलाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि किमदान सोचता है कि अगर रूना मर गई तो योनसियो की जान बच जाएगी। पर तभी वहां पर वही आदमी आ जाता है जिसने योनसियो को किडनैप किया था। वो किमदान को एक बड़े डंडे से मारता है जिससे रूना की जान बच जाती है और वो वहां से भाग जाती है। फिर किमदान और उस आदमी के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन किमदान एक एंजल होता है तो वो उस आदमी पे भारी पड़ता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर हु आ जाता है और वो किमदान को उसे मारने से रोक लेता है। फिर वो किमदान को समझाता है कि अगर उसने किसी इंसान की जान ली तो वो तभी धूल की तरह हवा में उड़ जाएगा। वो उससे कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास कुछ दिन बचे हैं, तो उन्हें बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है उन्हें सही से इस्तेमाल करो। अपना सारा वक्त योनसियो के साथ बिताओ, उसे खुश रखो। किमदान इस बारे में काफी ज्यादा सोचता है और उसे हु की बातें सही लगती है, तो वो उस आदमी को नहीं मारता और वहाँ से जाने लगता है। उस आदमी को हु ने बेहोश कर दिया था, पर वो होश में आ जाता है और वो किमदान पे हमला करने ही वाला होता है कि तभी हु उसको अपनी पावर से दूर फेंक देता है, जिससे उसका सिर ईंट से टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब हु की वजह से एक इंसान की जान चली गई तो वो वहीं पर धूल की तरह हवा में उड़ जाता है, मतलब कि उसका खात्मा हो जाता है। किमदान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी वजह से हु की जान चली गई। फिर हम देखते हैं योनसियो को, वो चर्च में प्रे करने के लिए आई होती है, तभी वहाँ पर किमदान आता है और योनसियो के पास जाता है तो योनसियो देखती है कि किमदान के शरीर से काफी खून बह रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किमदान उस आदमी से लड़ाई कर रहा था तो उसने किमदान को चाकू मार दिया था। किमदान का काफी खून बह चुका होता है तो वो बेहोश हो जाता है। फिर योनसियो उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है तो उसकी जान बच जाती है। फिर अगले दिन किमदान को होश आ जाता है तो योनसियो किमदान से कहती है कि वो परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि अब किमदान के पास सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं तो वो अपना सारा टाइम किमदान के साथ बिताना चाहती है। लेकिन किमदान ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है कि योनसियो परफॉर्म करे। इसीलिए वो योनसियो को समझाता है कि उसने जो इतने दिनों तक परफॉर्मेंस के लिए मेहनत की है वो बर्बाद हो जाएगा। किमदान योनसियो को परफॉर्म करते हुए देखना चाहता है, इसीलिए योनसियो परफॉर्म करने के लिए मान जाती है। किमदान योनसियो को बताता है हु के साथ क्या हुआ। फिर वो दोनों चढ़ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों हु के कमरे में जाते हैं। वहाँ पर किमदान को एक लेटर मिलता है जो कि हु ने किमदान के लिए लिखा था। हु ने लिखा होता है कि वो कई सालों से पृथ्वी पर है, पर आज तक उसने किमदान जैसा एंजल नहीं देखा जो कि बहुत सारी गलतियां करता था और मुझे गुस्सा दिलाता था। उसके साथ रहने में मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो एक तरह से मेरा दोस्त जैसा ही था। ये सभी बातें पढ़कर किमदान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर योनसियो और किमदान चर्च से बाहर आते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों दुखी नहीं होंगे और जितने भी दिन बचे हैं वो उसे खुशी से जिएंगे। फिर हम देखते हैं रूना को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि किमदान ने उसको मारने की कोशिश की। तभी रूना को नीना फोन करके मिलने के लिए बुलाती है तो रूना नीना से मिलने आ जाती है। लेकिन यहाँ पर नीना ने रूना को इसलिए बुलाया होता है ताकि रूना को वो पुलिस से पकड़वा सके। वहाँ पर पुलिस भी आई होती है तो वो रूना को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके पास रूना के खिलाफ काफी सबूत आ चुके होते हैं। किमदान और योनसियो को पता चलता है कि रूना को पकड़ लिया गया है तो उन्हें काफी रिलीफ मिलता है, क्योंकि वही थी जो कि उनके लिए खतरा थी। फिर शाम को योनसियो किमदान के रिपोर्ट पर गॉड को मैसेज लिख रही होती है, तभी वहाँ पर किमदान आ जाता है और वो योनसियो से कहता है कि मैंने बहुत सारे रिपोर्ट लिखे गॉड को, लेकिन सभी गायब हो गए। ये सुनकर योनसियो गॉड को काफी भला बुरा कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है रूना पर, जो कि जेल
में अपने आप को मारने की कोशिश करती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर अगले दिन फैंटेसिया में शो होता है जिसमें योन्सियो परफॉर्म करने वाली होती है। किमदान और योन्सियो फैंटेसिया आते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी डांसर्स को वो बता देते हैं कि उन दोनों ने शादी कर ली है। ये सुनकर सभी डांसर शॉक्ड रह जाते हैं पर वो उन्हें बधाइयां भी देते हैं। फिर हम देखते हैं रूना को, जब वो होश में आती है तो वो जैसे तैसे पुलिस को चकमा देकर हॉस्पिटल से भाग जाती है और पहुंच जाती है फैंटेसिया। वो वहाँ पर नीना से मिलती है। नीना रूना को वहाँ पर देखकर काफी शॉक में होती है कि वो पुलिस से बचकर यहाँ पर कैसे आ गई। रूना नीना को बताती है कि हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, किमदान को टपकाना, क्योंकि साले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझे मारने की कोशिश की। नीना उसको रोकने की काफी कोशिश करती है पर वो नहीं मानती। वहीं दूसरी तरफ परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुका होता है और योन्सियो परफॉर्म कर रही होती है। अब नीना करती भी क्या, तो वो जाकर सभी बातें बता देती है किमदान को कि रूना यहाँ पर आ चुकी है और वो तुम्हें मारना चाहती है। योन्सियो का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है पर थोड़ी देर बाद उसका दूसरा एक्ट शुरू होने वाला होता है, पर वो कहीं पर भी किमदान को देख नहीं रही होती। तो वो किमदान को ढूंढने के लिए बाहर चली आती है। वहीं किमदान रूना को पूरे फैंटेसिया में ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर बाद योन्सियो किमदान को देख लेती है पर रूना उसके पीछे चाकू लेकर पड़ी है उसको मारने के लिए, लेकिन किमदान को पता नहीं होता कि रूना उसके पीछे ही है। अब योन्सियो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो वो भाग कर जाती है और रूना को पकड़ लेती है पर रूना उसके पेट में चाकू मार देती है। फिर वो किमदान का पीछा छोड़ देती है क्योंकि अगर योन्सियो मर गई तो किमदान की लाइफ वैसे ही झंड हो जाएगी, ऐसा उसका मानना होता है। जब रूना वहाँ से जा रही होती है तो किमदान उसको देख लेता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसको बातों में उलझा कर रखता है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है क्योंकि किमदान ने पुलिस को बता दिया था कि रूना फैंटेसिया में है। जब पुलिस रूना को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं पर वो काफी खुश होती है क्योंकि ने योन्सियो को चाकू जो मार दिया था, लेकिन किमदान इस बात से अनजान होता है। फिर बारी आ जाती है योन्सियो के परफॉर्मेंस की। अब योन्सियो परफॉर्मेंस छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसकी कंपनी का सवाल था, इसीलिए वो जख्मी हालत में ही परफॉर्म करने लगती है। जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तो योन्सियो किमदान के पास आती है तो किमदान योन्सियो के शरीर से खून बहते हुए देखता है। योन्सियो का काफी खून बह चुका होता है तो वो बेहोश हो जाती है। तो किमदान उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। योन्सियो का काफी खून बह चुका था, इसी वजह से उसकी कंडीशन काफी नाजुक होती है और उसका इलाज चल ही रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर कैंग भी आ जाता है क्योंकि किमदान ने उसको फोन करके योन्सियो के बारे में बता दिया था। किमदान का आज आखिरी दिन होता है और उसके पास कुछ ही वक्त बचा होता है तो वो मिस्टर कैंग से कहता है कि तुम हमेशा योन्सियो के साइड रहना, उसका ख्याल रखना, उसे कभी भी दुखी मत होने देना। और थोड़ी ही देर बाद किमदान गायब हो जाता है मिस्टर कैंग के सामने ही। योन्सियो की जान बच जाती है पर उसका काफी खून बह गया था जिसकी वजह से वो कोमा में पहुंच जाती है, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक होती है। अब योन्सियो की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी तो उसके बिना परफॉर्मेंस कैसे होगा, इसी बात को लेकर सभी डांसर्स और स्पॉन्सर्स परेशान होते हैं। इसीलिए मिस्टर कैंग योन्सियो की जगह नीना को लेने के लिए कहता है क्योंकि वो भी चाहती थी कि वो एक लीड बैलरीन के तौर पे परफॉर्म करे, लेकिन नीना इसके लिए राजी नहीं होती क्योंकि योन्सियो की आज जो हालत है वो उसकी बहन की वजह से हुई है और उसकी फैमिली ने भी योन्सियो को काफी ज्यादा दुख दिया है, इसीलिए वो योन्सियो की जगह लेने के लिए नहीं मानती। पर मिस्टर कैंग और सभी डांसर्स नीना को बहुत ज्यादा समझाते हैं तो नीना मान जाती है क्योंकि ये योन्सियो के कंपनी का सवाल है। नीना परफॉर्म करती है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, पर परफॉर्मेंस के तुरंत बाद ही वो अनाउंस कर देती है कि वो बैलेट डांस से रिटायरमेंट ले रही है। नीना के इस डिसीजन से रूना काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने आज तक जो कुछ भी किया था वो सिर्फ नीना के लिए किया था ताकि वो फैंटेसिया की लीड बैलरीन बन सके। नीना अगर फैंटेसिया की लीड बैलरीन बनी रहती तो उसकी बहन जो चाहती थी वो सच हो जाता, इसीलिए उसने रिटायर होने का फैसला लिया था। कई दिन बीत जाते हैं पर योन्सियो कोमा से
बाहर नहीं आती बल्कि उसकी हेल्थ कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर ने मिस जंग को बता दिया होता है कि योनसियो की जान कभी भी जा सकती है और ऐसे वक्त में किमदान वहाँ पर नहीं होता। इस बात से मिस जंग किमदान से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं होता कि किमदान एक एंजल था और वो गायब हो चुका है। अगले दिन योनसियो की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी जान जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर आ जाता है किमदान। दरअसल जब किमदान गायब हुआ था तो वो मरा नहीं था बल्कि वो पैराडाइज पहुँच चुका था, जहाँ पर गॉड ने उसको एक लेटर के थ्रू बताया था कि किमदान को जिस मिशन पे भेजा गया था उसने वो मिशन कंप्लीट कर लिया है और उसने योनसियो को प्यार का मतलब समझा दिया, उसे प्यार करना सिखा दिया है। लेकिन उसने एक इंसान से प्यार कर लिया जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी, पर उसने अब तक बहुत सारे अच्छे काम किए थे, इसी वजह से उसकी ये गलती माफ कर दी गई थी और उसे जल्द ही पृथ्वी छोड़कर पैराडाइस आना होगा। ये गॉड का ऑर्डर होता है, इसीलिए वो आखिरी बार योनसियो से मिलने आया होता है। फिर वो योनसियो को अपनी सांसें देता है और वहाँ से चला जाता है। किमदान ने योनसियो को अपने सांसें दी, इसी वजह से वो ठीक हो जाती है, पर किमदान को अपने साथ ना पाकर वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। किमदान के बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि उसे किमदान की आदत हो गई थी। किमदान के बिना हर दिन वो दुखी और रोती रहती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और 3 महीने बीत जाते हैं। अब योनसियो पहले से बेहतर होती है और वो किमदान के बिना अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही होती है। वो अब अपनी कंपनी फैंटेसिया को खुद से ही चलाती है क्योंकि वो फैंटेसिया की चेयरवुमन है। अब रूना और उसके पेरेंट्स ने मिलके योनसियो के खिलाफ साजिश रची थी और योनसियो को मारना भी चाहा था, जिसके सारे सबूत पुलिस के पास होते हैं। इसी वजह से मिस चोई को 17 साल की जेल, रूना के डैड को 6 साल की जेल और रूना को उम्र कैद की सजा दी जाती है। योनसियो अब जैसे तैसे किमदान के बिना एडजस्ट करके जीने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे बार बार अपने सामने किमदान नजर आता रहता है। योनसियो उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं बोलता, जिससे योनसियो को लगने लगता है कि ये सब उसका मन का इल्यूजन है, पर ऐसा नहीं होता। योनसियो के साथ हरदम सच में किमदान ही रहता है क्योंकि किमदान ने गॉड से एक मिशन मांगा होता है कि वो योनसियो के साथ ही रहेगा जब तक वो उसको भुला नहीं देती। अगर वो उसे भुला नहीं पाई तो वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा, पर वो योनसियो से बात नहीं कर सकता, बस उसके सामने ही आ सकता है। वही नीना ने खुद का एक डांस स्कूल खोल लिया होता है जहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चों को बैलेट डांस सिखाती है। वो अब किसी के सहारे नहीं बल्कि खुद के दम पे अपनी जिंदगी जीती है। योनसियो को किमदान की याद आ रही होती है तो वो उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो किमदान से पहली बार मिली थी। किमदान को याद करते हुए योनसियो काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, जो कि किमदान से देखा नहीं जाता क्योंकि वो भी वहीं पर होता है। किमदान योनसियो का आंसू पोंछने जाता है, जिससे योनसियो को लगता है कि शायद किमदान उसके साथ ही है, ये उसका इल्यूजन नहीं है। फिर योनसियो चेक करने के लिए उसके दिल पे हाथ रखती है तो उसका दिल धड़क रहा होता है, जिससे योनसियो कन्फर्म हो जाती है कि उसके सामने सचमुच का किमदान ही है। योनसियो ने जब किमदान को छुआ था तो उसके पास जो रुमाल था वो गायब हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि गॉड ने उसको आजाद कर दिया है, उसे एक इंसान बना दिया है जो कि वो चाहता था। योनसियो किमदान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। किमदान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अब योनसियो के साथ रह सकता है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है।